मेरे पैसे दे दो। खबरदार, अगर दोबारा पैसे मांगे तो तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या किया इसने? मेरे पैसे छीन लिए हैं। पैसे कितने? 50 रुपए। 50 कहाँ लिए? उसमें 20 रुपए मेरे थे और बाकी मेरे दोस्तों के लिए सर्विस चार्ज। इतनी जल्दी हमें अपना बना लिया? तेरा नाम क्या है? बालवर्धन, सब जावा कहते हैं। मैं गोवा से हूँ। जावा फ्रॉम गोवा, वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरा नाम अजय है। पुरुषोत्तम। पुरुष। शिवा। हम लोग त्रिमूर्ति हैं। तुम हमारे दोस्त बनोगे? अब जावा भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गया है। उसके लिए एक जय बोलो। जय। अब क्या ग्रुप का नाम फोर मूर्ति होगा? नो, फोर लायंस। मतलब पता है ना? अगर एक को मार लगे तो चारों दुखी होंगे। अगर किसी एक पर हाथ उठाया तो चारों बदला लेंगे। अगर एक को पैसा मिले तो चारों को बांटना होगा। अगर एक से लड़की पटी तो बाकी तीनों को भी बटाना होगा। यही है वो बच्चे। अच्छा। अरे लगता है बात आगे बढ़ गई है। निकलो यहाँ से दोस्तों। इस तरह स्पीड बढ़ाने वाले वो लोग बिना स्पीड लिमिट के 15 सालों से भाग ही रहे हैं। इस दौड़ के पीछे का एक्शन ये है। तो ये हैं आपके चारों हीरो। दामाजी का गोवा जाना मुझे पसंद नहीं है। तो फिर हम दोनों वहाँ चलें? अब बस भी कीजिए मजाक। शादी की तारीख इतनी नजदीक आ गई है, शादी के बाद भी तो जा सकते थे। शादी के बाद पत्नी के साथ हनीमून पर जाना चाहिए। शादी से पहले दोस्तों के साथ गोवा जाना चाहिए, यही नियम है। वैसे हमारे दामाद जी कहाँ हैं? ए अजय, मैं टेम्प्ट हो रही हूँ यार, गलती हो जाएगी शायद। चलो हटो। मेरे बिना रह पाओगे तुम? तुम्हारे लिए रहूंगी। गोवा से आते ही हमारी शादी है, याद है ना? फ्रेंड्स के साथ सारी एंजॉयमेंट्स अभी कर लो। लेकिन लव यू। अजय बेटा, गोवा कैसे जा रहे हो तुम? मेरी कार से। इस कार से? या हाउ इज इट? वाओ, सुपर। तमिलनाडु के गवर्नर ने मुझे ये कार गिफ्ट की थी। गोवा जाने के लिए ये कार ठीक रहेगी ना? अरे रे, ये कार नहीं अंकल। मुझे पता है कि ये कार आपको कितनी पसंद है। जब इससे प्यारी अपनी बेटी को मैं तुम्हें सौंप सकता हूँ तो ये कार क्या चीज है अंकल? कम 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 सिट। गोवा में अगर कुछ चाहिए, किसी भी समय चाहिए, जस्ट गिव मी अ कॉल। ओके ओके अंकल। गोवा में एक टैटूज पब है। टैटूज पब? हाँ, वहाँ जेनिफर मिलेगी। जेनिफर? यस, उससे कहना मैंने उसे याद किया है। ओके, एंजॉयमेंट में शादी मत भूल जाना। थैंक यू अंकल, बाय बाय। ओके, हैप्पी जर्नी। बाय श्रुति। जब तुम साथ नहीं रहती तो एसी में रह के भी रेगिस्तान जैसा लगता है। ऐसे में इतने दिन के लिए तुम्हें छोड़कर गोवा जाना मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारा पुरुषोत्तम नाम जन्म लेते ही रखा था या तुम्हारा कैरेक्टर देखकर रखा था? पता नहीं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर तुम इतने दुखी होकर जाओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रहने दो, तुम मत जाओ। अगर मैं अभी नहीं गया तो तुम्हें डांटेंगे। तुम्हें कोई एक शब्द भी कहे मैं नहीं सह सकता। इससे तो अच्छा यही है कि इस जुदाई को ही सह लूं। तो सुनो, तुम जाओ। एक टी मिलेगी। अभी तो दी थी ना तुमने, पी तो थी। वो टी नहीं, ये। तुम भी ना। बहुत दिन रहना है ना, एक और टी प्लीज। अब थोड़ी देर में कहोगे, लंच भी खिला दो मुझे। चलो जाओ। ओके।
क्या हुआ? वो ना एक स्ट्रॉन्ग टी चाहिए। ओहो, जाओ जाओ। बाय बाय। मेरे मोबाइल में 50 रुपीज का रिचार्ज करवाओ। 50 रुपीज नहीं मिल रहा है यार। तो 500 का करवा दो। 500? थैंक यू, लव यू। हाय। हाय, तुम्हें फोन चार्जर चाहिए था ना, ये लो। सॉरी थोड़ा लेट हो गया यार। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, बाय डियर। बाय। एक से चार्जिंग, दूसरे से रिचार्जिंग। अगर ऐसे लोगों के मुंह लगोगे तो सरचार्ज के बिना टोटल डिस्चार्ज हो जाओगे, समझ गए ना? अपना हीरो कहाँ है? देखो कुछ ही दिनों की बात है, मैं दोस्तों के साथ घूम कर आ जाऊंगा। तुम्हारे बिगड़ने के लिए ना कुछ सेकंड्स ही काफी हैं। पापा को ऐसे ट्रिप से ना सख्त नफरत है, पता है तुम्हें? वो देखो तुम्हारे आवारा दोस्त भी आ गए। यार पुरुष, ये संध्या शिवा को क्या कह रही है? उसकी क्लास ले रही है क्या? क्लास नहीं यार, उनके पापा को भी हमारी दोस्ती बहुत पसंद है, ये कह रही है। ओए डंटल, ऐसे पागल लोगों से फ्रेंडशिप करना भी पापा को बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी लाइफस्टाइल देखकर उसकी स्टाइल भी चेंज करने को कह रही है। उसकी स्टाइल तो देखो बिल्कुल मछली पकड़ने वाले की तरह लग रहा है। हे, अभी वो क्या कह रही है? अभी? हाँ, शादी के बाद भी मैं कितना यंग लग रहा हूँ, ये कह रही है। उसकी शादी हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ, अपनी वाइफ को छोड़कर यहाँ खड़ा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं दिखती इसमें। परसों जब मैंने इसे अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया तो उसने उसे अपने रूम में आने को कहा। गई थी? गई थी, उसकी चप्पल। वो सब छोड़ो संध्या, मेरा क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास है, वो दे दो तो मैं जाता हूँ यहाँ से। अगर पैसे पानी की तरह बहाओगे तो आखिर में सिर्फ आंसू ही बचेंगे, ऐसा पापा कहते हैं। नाइस कोटेशन। ये सब अभी नहीं। पापा को ये पसंद नहीं है क्या? पापा को नहीं, ये सब मुझे और माँ को पसंद नहीं। नाइस फैमिली। बाय संध्या। बाय संध्या। जरूरी था क्या यार? शिवा, तेरी संध्या में बहुत ईगो है लगता है। उसको छोड़ यार, वैसे जावा कहाँ है यार? अब अपने जावा की बात करें तो सब कहते हैं सबसे ज्यादा पैसा जरूरी है, और ये कहता है कि पैसों से ज्यादा जरूरी बहुत कुछ है, लेकिन कहता है उन्हें खरीदने के लिए पैसा चाहिए। दुनिया के चार कोने हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जावा के चार पत्ते हैं, जैकी क्वीन किंग एस, अगर ये आ गए तो बिंदास। चल यार, क्या कर रहा है? क्यों यार, अंदर जावा के खेल को देखकर चढ़ता है बीपी, यहाँ लड़कियों को देखकर होता हूँ हैप्पी। हाय। आज भी वर्कआउट नहीं हुआ यार। कुछ देर ब्लाइंड खेल सकते हो ना? मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं ब्लाइंड खेलूं भाई। सुंदरता के बिना औरत, दम के बिना मर्द, बेकार है। अच्छा, वैसे भी 5,000 लाकर 10,000 चाहने वाले तुझमें, और एक ही बार में करोड़ों कमाना चाहने वाले मुझमें, जमीन आसमान का फर्क है। ब्लाइंड 10, 20, ब्लाइंड 40। हे, क्या कर रहा है? एक लाख। देखिए वो चीटिंग कर रहा है, अब बस कर। शो बोल दे। हाँ यार, शो बोल दे। कार्ड क्यों लगा रहे हो जावा? ओनली कैश। ए, मेरे पास नहीं है। ए, दे यार। अब क्या करो? जावा, अभी मेरे पास कैश नहीं है, चल शो बोल दे। शो। क्या हुआ, टेंशन में आ गया था? मैं हर बार तुम्हारा पैसा जीत जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जीत पाता हूँ। तुम हार के भी कैसे मुस्कुरा लेते हो जावा? खेल में हार जीत तो कॉमन है, वैसे भी हार कर भी हंसने के लिए मनी पावर नहीं, मैनी पावर चाहिए।
यार, इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई करके होटल में अच्छी जॉब करते हुए डे नाइट करके जो पैसे कमाता है उसे इस तरह से क्यों बर्बाद करता है? तुझे शॉर्टकट से पैसा कमाना जरूरी है क्या? जरूरी है यार, लेकिन क्यों किस लिए ये सब मत पूछना। इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर दो प्लीज। वैसे भी आज रानी राजा के साथ बाजी जीत नहीं पाई। एक दिन जब मेरी लाइफ में क्वीन आएगी तब मेरा सीन बदल जाएगा। देख अभी हमें उस क्वीन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। गोवा की क्वींस के बारे में सोचो। Yes! Go, 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 गोवा! किसी को बोलने से कुछ नहीं होगा। ये मेरा 20 साल का व्यापार है। उस लड़की को बेचने पे मुझे 2 लाख मिलेंगे। पैसे देकर अपनी बेटी को ले जाओ। एड्रेस लिख लो, 47-A-14 कालिंगुड़ा बीच रोड गोवा। ये बीच में कौन है हीरो जी? ये आखिरी में मिलेगा। आप स्टोरी सुनाई ना राजा, मुझे बहुत भूख लग रही है। उन्हें भी भूख लगी है इसलिए होटल गए हैं। किस होटल में राजा? तलवार रेस्टोरेंट है, वहाँ ले चल, जल्दी चल। पता नहीं वहाँ खाना कैसा होगा। बस पीने को मिलना चाहिए यार, चल। यार नाम ही नहीं, ये प्लेस भी काफी वायलेंट है यार। कैसी जगह है, बड़े अजीब से लोग हैं यहाँ पर। ये क्या यार, सीलिंग भी तलवार की शेप में? सीलिंग चाहे जिस भी शेप में हो, खाना अच्छा होना चाहिए बस। वेटर मेनू देना। भाई आप कौन? सिम्हा। समर सिम्हा। चाकू क्यों फेंका सिम्हा जी? क्योंकि वो मेनू है और मैं वेटर हूँ। नहीं, मैसूर का महाराजा हूँ। खर्चे के लिए पैसे नहीं थे तो यहाँ वेटर बन गया। अभी भी तुझे डिटेल्स चाहिए क्या? सिम्हा चिकन बिरयानी, इंद्रा कबाब का बक्का, आदि सर की सब्जी, राजा फ्रांस फ्राई, सारा कुछ नॉन वेज ही है क्या? तुम्हारे पास कुछ हमारे लिए वेज नहीं है? सारे वेज हो। श्रेनो तेरे फैंस आए हैं, जरा मेनू इधर फेंक। अरे नहीं यार, ऐसे फेंकने से मेनू आए या ना आए हमारा कुछ ना कट जाए। देखो सिम्हा, मेनू बता रहा हूँ, सारे आइटम एक एक भेज देना। ओके, 10 मिनट में सारे आइटम्स आपके पास होंगे। और अगर नहीं हुए तो हमारे वीर सिम्हा का सर इस टेबल पर होगा। वो कौन है? खाना बनाने वाला। सच में टेस्ट तलवार की तरह है भाई। अरे समर, समर मत बोलो, सिम्हा, समर सिम्हा। जो भी हो बिल लेकर आओ। ये लो तुम्हारा बिल। फिर से तलवार, ये क्या है यार, सुबह सुबह तलवार से डरा रहा है। ये ऐसे नहीं, बिल नहीं देने से ही सुधरेगा। बिल नहीं देंगे? ए बचपन में हम लोगों ने कितनी बार नहीं भरा। अरे तब जेब में पैसे नहीं रहते थे, चिल्लर रहती थी, और अभी हम बच्चे नहीं। Hey, this is the fun यार, पहले हम रनिंग बाद में चेजिंग, कितना थ्रिलिंग रहेगा ना। थ्रिलिंग तो होगा, लेकिन अगर पकड़े गए तो मारे जाएंगे। और नहीं तो क्या, बहुत खतरनाक लोग हैं ये, अपनी इज्जत के लिए दूसरों की जान ले सकते हैं। इनके साथ खेलना जरूरी है क्या? यार एक प्लान है, पहले बिल देते हैं। बिल देते वक्त पैसे नहीं है ये बोलकर भाग जाते हैं। अगर पकड़े गए तो ऑलरेडी बिल दे दिया है बोलकर उन्हें फूल बनाते हैं। ओके ओके। अरे समर, ये लो 3,000 रुपए। बिल से बाकी बचे 300 तुम्हारा टिप। थैंक्स भाई, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या भाई? हमारे बोलने तक बिल को काउंटर तक नहीं देना है। वो क्यों भाई? क्योंकि मन किया तो और खाएंगे और बाद में सारा पैसा एक साथ दे देंगे, ठीक है? हाँ भाई, आपके मन में जो है वही कीजिए। बिल देने को जब बोलेंगे तभी दूंगा भाई। चलता हूँ भाई, चलता हूँ भाई, चलता हूँ भाई। ए, मैंने जो कहा याद है ना, एक्टिंग स्टार्ट करते हैं। मेरा पर्स नजर नहीं आ रहा है। अरे ये क्या, पर्स मेरे पास भी नहीं है। मैं अपना पर्स नहीं लाया यार। पर्स तो है लेकिन पैसे नहीं है भाई, शायद उनके पास पैसे नहीं है, लगता है भागने वाले हैं। ए, अपना प्लान काम कर गया, भाग जाते हैं। 1, 2, 3। पकड़ो, पकड़ लो। अरे कहाँ गया? अरे अरे क्या यार, मुझे उन लोगों के पास छोड़ कर आ गए। पैंट चाहिए, ये ले। मैं ही तो हूँ, क्यों डर गया यार? यही होगा। अरे बाप रे, कौन है तू, बिना बताए अंदर घुसा? ओके ओके, जो किसी को नहीं देखना चाहिए वो मैंने देख लिया है। अब सॉरी बोल देते हैं।
सर, मैडम, सॉरी है। फिर से वापस आ गया, चल भाग भाग। मेरे सॉरी कहने पर मुझे ही डांटेगा इसकी तो। अरे सुनो सर, रूम क्लीन कर दो। हाँ ओके सर। अरे अरे गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। उसे तुम गुड मॉर्निंग क्यों कह रहे हो? फॉरनर है, अतिथि देवो भवा। इसे पहचाना नहीं है अजय, ये बेवकूफ लोग तुझे फॉरनर समझ रहे हैं। कहाँ जाओगे तुम? तीनों को मारने पर चौथा अपने आप आ जाएगा। खामोश। हमारे तीनों आदमियों को पकड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? बात क्या है बोल। हाँ। इस तलवार वीरभद्र के पास गलती करने की हिम्मत कैसे कर ली? तुमसे पूछकर करते क्या? अरे गलती क्या की है वो बताओ। पेट भर कर खाकर भागना गलती नहीं है? खाना खाते ही जॉगिंग करना हमारी हॉबी है। एनी प्रॉब्लम बेबी? मिलना देकर भागने वालों को पीटना हमारी हॉबी है। हेलो, अब तक तुमने जिसे मारा है वो वीक हो सकते हैं, उनमें शायद हिम्मत नहीं थी। एक बात जानते हो, हमें कॉलेज में क्या कहते हैं? लायन, चार लायन। ओए समर, अब देख लेना, उस समर के आते ही इस तलवार वीरभद्र का सिर हमारे पैरों पर गिरेगा। पैर सामने ही रखना, समझा रहे इसको? समझा दे। कि हमने बिल दे दिया था। कब दिया? अभी तो अंदर पैसे दिए थे, क्या बोल रहे तू? कहाँ दिया? यार हमने तुझे 300 रुपए टिप के भी दिए थे। किसे दिया? अबे सच बोलना। पकड़ा गया तो बहुत मार खाऊंगा। भाई भाई अपनी तलवार दो भाई, अपनी धोती की कसम, अपनी इस कड़क मूंछों की कसम, इन तीनों ने मुझ पर आरोप लगाया है। काट कर फेंक दूंगा भाई, तलवार दो भाई। भाई रोकना मत भाई, भाई रोकना मत। क्या भाग रहे हो? 50 साल की उम्र हो गई क्या? 15 साल की उम्र की तरह भागो, चलो भागो। क्या यार, हम इतने छोटे कैसे बन गए? हाँ अरे तूने ही तो कहा था 15 साल पहले जैसा बनने के लिए। अरे यार इस छोटी उम्र में वो लोग हमको पक्का पकड़ लेंगे। ए, तो बड़े होकर भाग जाते हैं। चलो। ए, अरे कार कहाँ है यार? ये क्या 3000 के बिल के लिए 30,000 का खर्च कर रहे हैं? इतनी गाड़ियाँ यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे कुछ कार के उतर कर भागो यार। क्या हो गया ये? छोड़ना मत, टुकड़े टुकड़े कर देना। इन लोगों के पास दिमाग नाम की तो चीज ही नहीं है, दिमाग की जगह भूसा भरा हुआ है। देखा तुमने, हमारे हाथ तो बांध दिए लेकिन पैरों को खुला छोड़ दिया। चलो भागते हैं। हिलने की कोशिश मत करना, तू हिलेगा तो मैं मरूंगा और ये हिलेगा तो वो मर जाएगा। वो कैसे? मेरे गले में जो रस्सी है उसे डाली पर से अजय को बांधा है, जरा ठीक से देख। और तेरे गले की जो रस्सी है उसे शिवा को बांधा है। अगर हम में से कोई एक भी हिला ना तो चारों मरेंगे। व्हाट एन आईडिया सर जी। यार संध्या का फोन है, नहीं उठाया तो बुरा मान जाएगी। ए, अगर संध्या बुरा मानेगी तो उसका बाप बुरा मानेगा। ये सोचकर अगर तू बुरा मान गया तो हमारा फ्यूचर नहीं रहेगा। अगर इतने लोग बुरा मानेंगे तो मैं चला जाऊंगा। नहीं ठीक है। अरे यार ये कौवा मरमर बोल के क्यों चिल्ला रहा है? अरे यार वो काव काव बोल कर ही चिल्ला रहा है, तुझे ही मरमर बोल कर सुनाई दे रहा है। नहीं जावा, मुझे भी वही सुनाई दे रहा है। अरे इस वक्त डांस क्या कर रहा है? सब लोग मरेंगे। क्यों हिल रहा है तू? मैं डांस नहीं कर रहा, मेरे पैंट में कोई डांस कर रहा है। पैंट में डांस कर रहा है? वो नहीं यार, मेरे पैंट में कुछ घुस गया है।
ए यार जल्दी से मेरी रस्सी खोल दे। चलो चलो हमारे बचने के बाद भी तू मरना मरना कर रहा है। तेरी फैमिली दोनों को मार दूंगा। ये क्या यार, अचानक अंधेरा हो गया? ब्लैक क्लाउड्स होंगे यार। ब्लैक क्लाउड्स नहीं है यार, ऊपर देख। अरे ये तो ब्लैक क्रोस है। अरे देख, उसकी फैमिली को मारने की धमकी दी थी ना, देख बदला लेने के लिए अपनी पूरी फैमिली को लेकर आया है। तो अब क्या होगा? ए कौवे क्या करेंगे, भगाने से चले जाएंगे। हट तेरी, हट 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 अरे अजय, कार क्लीन हो गई, अब जल्दी से आ जाना। कमाल है यार, अमूल बेबी की तरह सब कुछ निकाल दिया। कौवों ने जो भी किया उसके बाद सब कुछ अच्छी तरह से धोना बहुत जरूरी है यार, इतने ओपन प्लेस में। हे, हम नए थोड़ी ना हैं, 15 साल पहले कैसे रहा करते थे। हाँ यस यू आर राइट, मैं भी सब उतार देता हूँ। मेरी हार्ट बीट भी खोलने को कह रही है। लेट्स एंजॉय। ओए तू भी उतार ना, तू नहीं खोलेगा? अरे पहनूंगा तभी तो खोलूंगा ना। अरे रुको रुको रुको, बाजू में एक और तालाब है, वहाँ जाके ना। क्यों? तुम लोग दूसरे तालाब में जाओ, हमारे बच्चे यहीं पर नहाएंगे। अरे लेकिन नहीं दीदी, ये तालाब थोड़ा गहरा है ना। हाँ दीदी, तालाब गहरा है कह रहे हैं, अपने बच्चे गंगा नदी के इस कोने से उस कोने तक तैर कर आए हैं, ये तालाब क्या चीज है? और क्या? नहीं नहीं नहीं, अबे इसमें बड़ी बड़ी जंगली मछलियां हैं, अगर पूंछ से मारेंगे तो बच्चों को सूजन आ जाएगी। अरे सुनो, पहले हम हमारे बच्चों को भेजेंगे, बाद में हम भी आ जाएंगे। आप भी आओगे? बच्चों के आने से कुछ नहीं होगा, गहराई देख के वापस चले जाएंगे, लेकिन आप आओगी ना तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। अरे सुनो, अगर उतना ही मन है तो बाहर आ जाओ, मैं गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ, टेस्ट करके रेस्ट ले लो। गर्म खाना? अबे तू कहाँ जा रहा है? रुक, मछली मछली एक साथ ही 4 मछलियाँ पकड़ूंगा। देखो अरे ये 4D मूवी फ्री में देख रहा है यार। पहले बोलना चाहिए था ना। सॉरी। अरे बच्चों अंदर सांप है, जल्दी जल्दी बाहर निकलो, चलो 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 बाहर निकलो। क्यों जी, हमारे मासूम बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो, उन्हें भी एंजॉय करने दो ना। अरे दीदी क्या हुआ, एक बार वहाँ देखो। हे भगवान, ची 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 ची। अरे पापा सही कह रहे हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ। अगर मेरे कहने पर ये लोग खाना खाने के लिए बाहर आ जाते तो क्या हो जाता। हीरो जी, आपने जब से कहानी शुरू की है तब से लेकर अब तक मर्दों की ही खुशबू आ रही है, अगरबत्ती जैसी औरतों की खुशबू नहीं आ रही। वो देखो आ रही है। क्या स्मेल? नहीं कलर, आंखें बड़ी करके देखो। कौन है ये? पर इस बस को फॉलो कर। हे, बस तो यही है। तेरी क्वीन कहाँ है भाई? यार जू के बाहर थोड़ी ना जाएगी, जू के अंदर ही होगी, चल चलकर ढूंढते हैं उसे। कहाँ है मेरी सनोरिटा? कुछ
तो करो यार, इस जावा के ब्रेन का बैलेंस हिल गया है। आइडिया, मेरा कुछ और हिल गया है। हम लोगों को भेस बदल कर जावा और लड़की को मिलाना होगा। कौन सा भेस? एग्जैक्टली उसी की तरह तुझे भी वाइल्ड एंट्री देनी होगी। ठीक है यार, लेकिन वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? देखो बॉस, वो गोरिल्ला का हिसाब कुछ और है। 2 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड को दूसरे ज़ू में शिफ्ट कर दिया, तब से वो एक साथी के लिए तड़प रहा है। लेडी गोरिल्ला वाली ड्रेस मुझे क्यों दी? यार जो भी हो, गोरिल्ला तो गोरिल्ला होता है ना। बड़ी अनकंफर्टेबल है। अगर इस गेटअप में तू उस लड़की को पुटअप करेगा तो जावा तुझे शूटअप करके उस लड़की को सेटअप कर लेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अरे वाह, ए उसे इधर ला। मैं नहीं दूंगा, मारूंगा। एक नहीं देगा वो मेरा। इधर ये गोरिल्ला का सिर है तुम्हारा। रुक, शिवा, शिवा, ए शिवा, इस शिवा को गोरिल्ला की ड्रेस सेट हुई या नहीं? अरे शिवा, बिल्कुल गोरिल्ला की तरह चिल्ला रहा है। सुपर यार, तुझे अंदर किसने रखा? ओ, तू और गोरिल्ला एक ही जैसे दिख रहे हो ना, इसलिए अंदर रखा होगा। नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना। मुझे कुछ मत करना प्लीज। ये पहले ही एंट्री करके लड़की को डरा रहा है यार। अब ए, डोंट वरी, तेरी एंट्री से इंडस्ट्री में धमाका होना चाहिए। सेनोरिटा तुझे सेट हो जानी है। स्टॉप इट। अबे ओ गोरिल्ला, एक सुंदर लड़की के दिखने पर ऐसा लगा था कि सिर्फ इंसान टीजिंग करते हैं, लेकिन तुम लोग भी। अब क्या करें, इंसान भी तो पहले बंदर ही था ना। वो देख, स्टार्स जैसी आंखें, रेनबो जैसा नोज, सनसेट जैसे लिप्स, फुल मून जैसा फेस। आह, श्रीराम राज्य की सीता की तरह कितनी सुंदर है। सीता नहीं, मेरा नाम गीता है। गीता, व्हाट अ नाइस नेम। अरे ओ, उस लड़की का बॉयफ्रेंड शायद आता ही होगा। अगर वो आ गया ना तो तेरी बैंड बाजा बारात हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यार इसका तो बॉयफ्रेंड नहीं है। ए, इसका फायदा मत उठाना। वो दोनों कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मुसीबत में रहने वाली लड़की को बचाने के लिए कहा था भैया जी ने। पता नहीं, भैया जी को नहीं जानते हो तुम? तब तो बच गए ब्रदर। अगर इस दुनिया में कोई ये कहेगा कि वो भैया को नहीं जानता, तो अगले जन्म में वो भैंस का जन्म लेगा, प्योर बफेलो। इसलिए भैया जी की बात मानकर इस लड़की को छोड़ दो। यू नो अंडरस्टैंड, आई मेक यू अंडरस्टैंड। सॉरी यार, लेकिन दर्द में माँ बोलकर चिल्लाने की बजाय गोरिल्ला की तरह तूने चिल्लाया ना, तेरी ये कमिटमेंट बहुत पसंद आई मुझे। यार शिवा, लड़की हंस रही है। अबे ओ गोरिल्ला, औरत को प्यार करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, समझ गया ना? ये बात नीचे ट्रेन के ब्रेक लगने तक ऊपर माइंड में समझ में नहीं आती है। मेरे इतना बोलने के बाद भी तू मेरी बात नहीं मान रहा है? तेरे लिए नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि राइवल ट्रीटमेंट सही होगा। शिवा थोड़ी सांस भर ले। अब कर। बोल 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 बोल। यार उसे देख दो। यार जावा, अरे पीछे देख, सीट पकड़ ले। कम ऑन कम ऑन, हाथ निकाल, चल देखते देखते, चल चल चल। जावा, गोरिल्ला माँ के समान होता है, गलती करने पर भी माफ कर देता है। आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, अभी बताओ किस भाषा में ट्रांसलेट करूं? हे भगवान, गोरिल्ला जी, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? जावा।
ए, अपनी इज्जत दांव पर लगाकर तू इसे प्यार दिलाना चाहता था। तू है असली दोस्त यार। ए, तेरी आवाज को क्या हुआ यार? अरे शौक में चली गई होगी। दो पैक लगा ले, सब सेट हो जाएगा। यार अरे यार तू भी गोवा जाते, बहुत बड़े जानवरों के डॉक्टर को दिखाऊंगा, अपने आप तो ठीक हो जाएगा। अरे बोल तो क्या हुआ? अरे गीता के बारे में ना। अरे काम हो जाएगा, ऑलरेडी तेरे ड्रामा के बाद आधा काम तो हो गया है। गोवा जाने से पहले पूरी तरह उसे पटा लूंगा। अरे क्या? अरे हेल्प की थी इसलिए थैंक्स बोलने के लिए पूरा ज़ू घूम लिया। अगर वो गोरिल्ला तुम्हें मार देता तो अच्छा होता। इडियट, तुम्हारी वजह से मेरी बस मिस हो गई। ओ, इसलिए इतना गुस्सा कर रही हो? कोई बात नहीं, तुम्हें हम ड्रॉप कर देंगे। शट अप, एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा तुम पर विश्वास कैसे करूं बताओ। हेलो, दिल को छू लिया इसलिए प्लान बनाकर पटाना चाहते थे, फेल हो गया, तो आप क्या करें? एक और बना लो। एक और प्लान? अभी आते हैं। वैसे भी आपका यहाँ रहना उतना सही नहीं है, इस एरिया में बहुत से बेकार लोग होते हैं। गाँव के सारे बेकार लोग यहाँ जो आ गए हैं? वो लोग वैसे नहीं है, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। देखो मैं उन लोगों की नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़िए, आपको आपकी बस कैच करनी है ना, चलिए हमारी कार में बैठिए, प्लीज गेट इन। बट ऑन वन कंडीशन, तुम्हारे और मेरे बीच कम से कम 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ओके बैठिए ना। अरे क्या हुआ इसे? ये डिक्की ठीक से बंद नहीं हुई है। नहीं हुई? एक बार आना तो। वो क्या है, ये मैथ्स में थोड़ा वीक है, 10 सेंटीमीटर का गैप सही से मेंटेन करेगा कि नहीं, इसलिए मैं बैठ गया, है ना? मैं हूँ वीक और तू है लीच। गीता तुम क्या करती हो? ऑर्फनेज में काम करती हूँ। वैसे तुम गोवा क्यों जा रही हो? पर्सनल काम है, मेरे बारे में छोड़ो। वैसे तुम्हारी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? लव मैरिज। रियली? यस लव मैरिज है, उसके ससुर की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये उससे प्यार करता है। ए, बस कर यार, आई रियली लव श्रुति। ओए, जिसकी आंखें होती है ना वो सिर्फ लड़की देख के प्यार करता है, लेकिन जिसे दिमाग होता है वो उसके पापा का बैकग्राउंड, बैंक बैलेंस, ये सब देख कर प्यार करता है। तुम्हारे पास काफी जायदाद है क्या? अगर वाइफ बोरिंग भी हो तो चलेगा? देखो गीता, अगर बैंक में 100 करोड़ हो ना तो वाइफ चाहे बोरिंग हो या स्केयरिंग हो, शेयरिंग करने के लिए या केयरिंग करने के लिए बहुत से लोग मिल जाते हैं। Right. मतलब तुम पैसों के लिए ही शादी करोगे? ऑफ कोर्स, सारे इंसान वैसे भी मनी के लिए ही तो काम करते हैं, बट अगर तुम जैसा कोई दिख जाए ना मुझे तो मैं थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। फोन। मैग्नेट मामा है यार, पैसों के लिए फोन कर रहा है, क्या कहूँ इससे अब। हाय मैग्नेट मामा, मेरे पैसे? मैं ऑन द वे टू गोवा, कब दोगे? आने के बाद दे दूंगा। अरे वो नहीं। दे दूंगा मामा, फोन रखो ना। ए, वही, ए, अरे तलवार करो, वही होंगे क्या? पूछ कर आऊं क्या? अरे तू चुप है यार, अजय राइट ले ले। अरे स्टॉप स्टॉप, तुम लोग यहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ ज्यादा ट्रैफिक होगी, यहाँ से तुम्हारी बस को जल्दी कैच कर सकते हैं, नहीं तो बोल दो वहीं से चलते हैं। ए, चल गाड़ी घुमा ले। कैरी ऑन कैरी ऑन। पुरुष, तुमने अपने बारे में नहीं बताया, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने मुंबई मिरर, सामना, आज तक, और जब फ्री होता हूँ तब अमर उजाला भी। पुरुष, जब फ्री होता है तब नहीं, कॉलेज में क्या पढ़ाई की वो पूछ रही है। पता है मुझे, पता है। गीता, ये सारे मिडिल क्लास है, एक क्लास को ये एक ही बार पढ़े हैं, मैं रिच क्लास हूँ और मैंने एक क्लास को 5 बार पढ़ी है। Most experienced and matured also. ओ, तो क्या करते हो तुम? सबकी तरह ही जीता हूँ। मतलब? As usual, morning breakfast, afternoon lunch and night dinner. Hello, breakfast और lunch के बीच क्या करते हो? Good question. बीच में ना, कभी कभी एक कप कॉफी या फिर कभी कभी एक कप टी। मतलब तुम? अरे बस करो यार, गीता वो एक फैशन डिजाइनर है और बहुत ही टैलेंटेड है, बस चांस का वेट कर रहा है। ओह रियली? एक डिजाइन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, बेस्ट ऑफ लक। ओह थैंक यू, लेकिन मेरे पास तो 4-5 डिजाइन है। ओह मैन, व्हाट वुमन, वहां देखो। अब क्या करें? जंप। ओके मैं पीछे जंप करता हूँ। ए, पीछे नहीं, कार के साथ हमें आगे जंप करनी है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये बेंज कार है, मेरे ससुर की जान। ए, एक बात सोच यार,
हम सबका पीछे जाकर उस तलवार की बैच के हाथों जान गंवाने से अच्छा तेरे ससुर की जान रिस्क में रखना बेटर है। अब तक लाइफ में बहुत सारे गेम खेले हैं, मेरे भरोसे श्रुति है यार। तो क्या मेरे पीछे अनीता नहीं है क्या? और उसके पीछे गोरिल्ला नहीं है क्या? क्या बोल रहा है? मेरा मतलब संध्या नहीं है क्या? वैसे मेरे भरोसे गीता भी तो है ना। क्या कहा? मेरे हाथ में शादी की लाइन है ना, मैरिज लाइन। वेस्ट ऑफ टाइम, चलो यहां से। ट्रस्ट मी डूड, ज्यादा से ज्यादा गैप 9-10 फीट का होगा। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर 45 डिग्री में जंप करें तो कार उस तरफ परफेक्टली लैंड हो जाएगी। सच में? हां, तेरे डाउट कम करने के लिए मैं डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाता हूं। एक मिनट, हां समझ ले, ये कार है। मारुति है या फिएट? बेंज है। 30 40 60 80। ऐसे लैंड हो जाएगी। जंप कर। नो प्रॉब्लम, गैप 20 फीट है इसलिए स्पीड 120 कर दे तो लैंड हो जाएगी। इसकी बातें मत सुनो यार। यार मेरा भरोसा कर, प्लीज प्लीज। मैं हूं ना यार। उस पर नहीं तो उसके फॉर्मूला पर तो भरोसा कर, प्लीज यार। लेकिन 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 कुछ नहीं, तू चला। फॉर्मूला सक्सेस, यस सक्सेस तेरा सर। कार को देख यार, फॉर्मूला कहाँ, एंगल कहाँ, सब बर्बाद कर दिया। अबे यार अभी क्या हुआ, बम्पर निकल गया है, लगा सकते हैं, वॉलेट टूट गया है, बंद कर सकते हैं, टायर ठीक है, जा सकते हैं। टायर भी गया। कोई नहीं यार, आधे घंटे में ठीक हो जाएगा सब। इस कार में पीछे की टायर नहीं होती है क्या? पीछे का टायर नहीं है। ए भगवान, सतू जी, गीता कहाँ पर है? Help me, please save me. मुझे ऐसे देख रहा है जैसे नजर से ही बटा लेगा। हे गीता, इस मिड फॉरेस्ट में सर्कस स्टंट्स और इतने अच्छे पोज। Hey, what are you saying? I'm just saying, what are you showing, baby? मध्य प्रदेश कितना मेमोराइजिंग है। महेश भट्ट की मूवी में रोल के लिए ट्राई करोगी क्या? इडियट, तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं। शिवा, प्लीज हेल्प मी शिवा। हाँ आ रहा हूँ मैं, प्लीज। क्या बे, इस बीच तेरा हेल्पिंग नेचर शायद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। उससे पहले हेयर स्टाइल अपनी सेट कर ले, फोटो खींच कर संध्या को भेजना है, इससे उसे फुल क्लैरिटी आ जाएगी। सॉरी गीता, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तू देख ले यार। निकल, चल चल। पुरुष, पुरुषोत्तम सुनो। पुरुषोत्तम जी, आप ही को कह रही हैं। Help me, please. महारानी जी, मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए। देखो लड़की, यहाँ सबकी गर्लफ्रेंड्स हैं। बिना गर्लफ्रेंड का गब्बर सिंह मैं अकेला ही हूँ। एक बार कह दो, आकर हेल्प कर दूंगा। ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, 108 को ईमेल कर दूंगा तो वो लोग आकर तुम्हें बचाएंगे। सॉरी, प्लीज हेल्प मी। जस्ट अ सेकंड, पता नहीं इसको बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये क्या, ये तो किसी बंदर की तरह आसानी से चढ़ गया। ऐसे उल्लू की तरह घूर क्या रहे हो मुझे? हाथ दो। कुछ देर पहले 10 सेंटीमीटर का गैप रखने के लिए बोला था। कोई नहीं, हाथ पकड़ लो, कुछ देर के लिए चूड़ी वाला समझ लूंगी। ओए चंद्रमुखी, ये क्या कह रही हो? मुझे चूड़ी वाला कहकर दिल में चूड़ियां चुभा दी तुमने। आई एम हर्ट, आई एम मिडल ड्रॉप। अरे दीदी, तुम तो नाराज हो गए। नहीं तो और क्या, थम्स अप एड में सलमान की तरह कुछ तूफान ही करने के लिए आया था। चूड़ी वाला कहकर, लेडीज टेलर कहकर मेरे अंदर छुपे विलन को जगा दिया है। ओह सॉरी, तो फिर तुम्हें डॉक्टर समझ लूंगी, ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं, पोलियो ड्रॉप्स देने वाली नर्स समझ लो। और देखो यही फाइनल है, रिलेशनशिप अगर सही से बताओगी तभी रिस्पॉन्ड करूंगा। कुछ देर के लिए तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड मान लूंगी। डायलॉग ओके, लेकिन फेस पर फील मिस हो रहा है। चावा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुश्किल में है, बचाओ ना प्लीज। गुड, लेकिन बचाने के लिए कहाँ पकड़ना होगा और कितनी देर पकड़ना होगा बता दो तो प्लान करके रेस्क्यू कर लूंगा। इस वक्त मजाक क्यों कर रहे हो तुम? जहाँ चाहो वहाँ पकड़ सकते हो, जितनी देर चाहो पकड़ सकते हो, पर मुझे बचा लो प्लीज। जानू, मुझे ये रिलेशनशिप पसंद है, चलो फिक्स हो जाओ, ये हाथ पकड़ लो। ये क्या गीता, हाथ पकड़ने को बोला तो पैर पकड़ लिए, चलो ऊपर आ जाओ जल्दी।
आओ ऊपर। दिखने में कितनी पतली है लेकिन असल में कितनी भारी है। ओ हेड वेट है। ऊपर आओ, जोर से पकड़ो। आहा, जब भी ये स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो लगता है जैसे मैं स्वर्ग से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हूँ। नेक्स्ट टाइम मुझे भी स्वर्ग लेकर जाना। हटो, अच्छा ये रोड बहुत खराब है, मेन रोड से चलो प्लीज। ये सिटी रोड नहीं है, यहाँ पर हर जगह लेफ्ट राइट नहीं होते, डीप फॉरेस्ट है। वैसे इस एरिया का पूरा मैप मेरे माइंड में है, नेक्स्ट 100 किलोमीटर तक यही रोड है, जाना ही होगा। ये भी होगा बेटा अजय। हाँ। बस 2 ही मिनट में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आने वाला है, वास्तु देख कर ठीक से चलाना। हाँ समझ गया ना। इसको यार, तो फिर स्वर्ग के दर्शन होंगे। नल से 4 सेंटीमीटर पास होने की फीलिंग आई थी ना। ये शायद ओसामा बिन लादेन की बहन होगी। ट्विन टावर सेंटर में शार्प ने अटैक किया यार। अरे यार अजय, हाँ। 1 किलोमीटर दूर एक और स्पीड ब्रेकर है। ब्रेकर नहीं यार, हाँ। ब्रेक डाउन हो गया है, एक डाइवर्जन है, देख कर चढ़ा दे। डाइवर्जन? तुम्हारे माइंड में तो पूरा मैप था ना, भूल गए क्या? कहा था ना जब स्वर्ग में था तब, अब रूट मैप अच्छी तरह याद नहीं। ए, गाड़ी जरा देख कर चलाना। हाँ हाँ यही है मेरी बस, उसे ओवरटेक करके रोको ना प्लीज। हे गीता, तुम्हारा फोन नंबर तो दो ना। व्हाट, मेरा नंबर? हाँ। हेलो, तुम्हारे साथ इतना ट्रैवल करके ही मैं बोर हो गई हूँ। आई होप जिंदगी में दोबारा अब कभी तुम्हारा चेहरा ना देखूं। हे जस्ट इन केस भगवान तुम्हारी बात ना माने या तुम्हें मिलने का मन करे तो गोवा में रिया रिसोर्ट आ जाओ। गेट लॉस्ट। चल भाई चल चल। गीता, तुम्हारी सारी गीताएं मेरे पास हैं, मेरी गीता मुझे जरूर मिलेगी। अरे अजय जरा लेफ्ट लेना। तो यही है यार मेरे पापा के सपनों का साम्राज्य। क्या बोल रहा है यार ये? मेरा जन्म यही हुआ था, एक जमाने में ये सबसे बड़ा होटल था, यही है मेरा 5-स्टार ड्रीम। 5-स्टार? एक मिनट रुको बताता हूँ। बचपन में मुझे कोई मुश्किल ना हो इसलिए इसी होटल में सर्वर से सर बुलवाने की पोजीशन में आए थे मेरे पापा। मेरे पापा ने जो मेरे लिए देखा था वो सपना यही है, लेकिन पार्टनर्स ने धोखा दे दिया और ये उनके हाथ से निकल गया और वो हमसे बहुत दूर चले गए। अब इतने सालों बाद इस होटल की बोली लगी है। मैं मेरे पापा का नाम अगर रोशन करना चाहता हूँ तो मुझे ये चाहिए, और अगर मुझे इसे जीतना है तो 1 करोड़ रुपया चाहिए। 1 करोड़ रुपया, वो भी 1 महीने के अंदर। अगर स्टेशन से ट्रेन छूट जाए और कहीं रास्ता ना मिले तो उसे पकड़ने के लिए हम अलग अलग शॉर्टकट अपनाते हैं। हमेशा तुम भी पूछते हो ना कि पैसों के लिए क्या क्या करेगा, इसी के लिए होप आई फुलफिल हिज ड्रीम। हे, इस मैटर को हमसे शेयर करने के लिए इतना टाइम लगाया तूने। एनीवेज, अब ये ड्रीम तेरे अकेले का नहीं है, हम सब का है। अरे यार अजय, रूम तो सुपर है यार, मस्त है। वाह ब्यूटीफुल यार, गोवा हमें जल्दी रेडी होकर आने के लिए बुला रहा है। क्या बोतल ओपन करके 2 पेग लगाकर रोड पर जाएंगे ना। वाओ, मेरे शादी के लिए डायमंड रिंग गिफ्ट कर रहा है। मजाक बंद कर, शादी के दिन संध्या को मैं ये गिफ्ट दूंगा। मेरी दादी ने मेरे होने वाली बीवी के लिए स्पेशली बनवाया है। सही नहीं है यार। क्यों, ये संध्या को सूट नहीं करेगी यार।
ये रिंग संध्या को तो सूट करेगी लेकिन संध्या तेरे लाइफ को सूट नहीं करेगी। वो करोड़पति नहीं है, करोड़ों ना रहने पर भी कुछ नहीं होगा, कॉमन सेंस होना चाहिए ना। वैसे भी संध्या को तुझ पर प्यार कम और अधिकार ज्यादा है। बस कर, मुझे करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, वो भी डॉक्टर है, लाइफ कंफर्टेबली गुजर जाएगी। सच कहूँ तो लाइफ का मतलब एडजस्टमेंट करना ही होता है। संध्या एडजस्टमेंट कर लेगी, मुझे भरोसा है। अरे यार, तू इसकी खिंचाई क्यों कर रहा है? उसके लाइफ के बारे में उसे अच्छी तरह पता है और वो ना ही अभी बच्चा है। एनीवेज कांग्रेस यार। यार सब कुछ रेडी है, मिक्सिंग के लिए सोडा रेडी है, चिप्स लेकर आया हूँ, चने लेकर आया हूँ, चिकन के लेग पीस भी लाया हूँ। ये सब तो ठीक है लेकिन बोतल लाया क्या? ये रहा, सुपर दारू मिली है, पियोगे तो हवा में उड़ोगे। वाह वाह गोवा, ऊपर स्टार्स नीचे बार्स, एक तरफ सी दूसरी तरफ खुशी। अरे यार, हर सिटी गोवा की तरफ ब्यूटीफुल होती तो क्या बात थी। तो गोवा कोई नहीं आता। कौन है यार ये? वहां पर क्या कर रहे थे? वहां से जंप करना चाहता था। सुसाइड क्या? एक्सपायरी टैबलेट दिख रहे हो, इस उम्र में कोई सुसाइड करता है क्या? सिली फेलोज, वहाँ से जंप करने पर मेरा इंट्रोडक्शन कैसा होगा ये सोच रहा था। हीरो, आप सिनेमा के हीरो हो? ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटा, आप सिनेमा के हीरो हो ऐसे पूछा। तो पर आपको कहीं देखा नहीं है? 40 साल पहले रजनीकांत को भी कहीं नहीं देखा था। आपका नाम? बक्का। बक्का? बक्का वेंकट राव, सन ऑफ श्रीनु वैतला। वही तो मेरे क्रिएटर है, अभी अभी ऊपर आने वाला हीरो हूँ। ऊपर जाने के वक्त ऊपर आने का मतलब क्या है? पहले मेरी स्टोरी सुनो। क्रिमिनल्स को पकड़वाने में पुलिस की मदद करने की वजह से 1 करोड़ की रिवॉर्ड मनी मिली। इतने में जेनी लिया ने शादी करके धोखा दे दिया। बाद में बर्फी में इलियाना का एक्शन पसंद आया, उसी के लिए तो मैं गोवा आया। शो मत शो कीजिए सर। शो नहीं, मेरी शो रील देखो। ये क्या सर, इस तरह से चिल्ला रहा है? एक्टिंग में इंपैक्ट लाने के लिए सीनियर आर्टिस्ट की तरह ट्राई किया था मैंने, पेमेंट नहीं मिला तो इस तरह से रिएक्शन दे दिया। एडिटिंग में निकाल देते। एडिटर को भी पेमेंट नहीं मिला था। नेक्स्ट आइटम। ऑसम, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। मेरी झूठी तारीफ करके इस्तेमाल तो नहीं करोगे ना? बक्का बाबू। बक्का बाबू सुनने में तो बहुत अजीब लगता है। सक्सेस मिलने के बाद शांति मिलेगी, पहले दारू पीते हैं, आइए। यार अजय, गोवा से जाते ही तेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद अपनी लाइफ में क्या होगा हम खुद नहीं जानते, इसलिए आज रात हम खुद को भूल जाएंगे, इतना एंजॉय करेंगे। ये ट्रिप हमारी जिंदगी की यादगार ट्रिप बन जानी चाहिए। चीयर्स। अबे तेरी तो देख कर नहीं चल सकता क्या? यार शेर है, बाथरूम में शेर है। शेर? लगता है तेरी उतरी नहीं है, बिल्ली को देखकर शेर समझ लिया होगा। शेर है वो, येलो बॉडी ब्लैक लाइंस, कुछ देर और रहता तो हार्ट फेल हो जाता था मेरा। ए, शेर को देखकर सब लोग सुसु कर लेते हैं। तूने क्या यार सुसु करते हुए शेर देखा है? रुक देख के आता हूँ। देख ले, अरे ध्यान से, वो शेर है। शेर ही है यार। वैसे शेर अंदर कैसे आ गया? शेर को देख के कोई हंसता है क्या? नहीं तो क्या, नाचो रे गाने पर डांस करूं क्या? पागल। वैसे ये सब क्या है, रूम ऐसे हो गया है, हुआ क्या था असल में? मुझे भी नहीं पता। ए, तू पहले पैंट पहन ले, तुझे देखने से अच्छा तो शेर को देखना है। इस डैमेज का बिल क्रेडिट कार्ड से देना पड़ेगा, कहीं संध्या को मालूम चल गया तो? क्या संध्या, संध्या लगा रखा है, बाथरूम में शेर है और तू संध्या के बारे में बात कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या था। अरे यार अजय को उठाना, नीचे जाकर कॉफी पीने तक अपना दिमाग काम नहीं करेगा। यार मेरे दांतों में कुछ लगा है क्या, जरा देख। तू वो नीचे दिखा रहा है और तू ऊपर दिखा रहा है। अरे टूट गया, इट्स गॉन। दांत टूट गया, मेरा दांत किसने तोड़ा यार? ए, वो कौन सा सोने का दांत है, वापस लगवा सकते हैं, टेंशन मत ले। कैसी बात कर रहे हैं यार? अरे यार सारा रूम छान मारा, अजय कहीं भी नहीं है, बस मेरा मोबाइल मिला है। अबे उस बाथरूम में देखना। हाँ शेर, कॉल कर उसे। ए, कॉल किया क्या? मिस्ड कॉल दिया है, रोमिंग है ना, मिस्ड कॉल देता है। फोन मुझे दे, मैं करता हूँ। ये भी है ना। हाय अजय, हाय अजय।
हेलो। अबे बिना बताए कहाँ चला गया था? अरे अभी तो आया यहाँ पर। ठीक है अब जल्दी आ। क्या यार क्यों बुलाया? अबे तूने अजय के फोन से बात की थी? एक मारूंगा ना तुझे। ये अजय कहाँ चला गया यार? ए, ये गन यहाँ क्यों है? गन कहाँ से आ गई? ये यहाँ कैसे आ गई? क्यूट बेबी। एक ही रात में एक बच्चा कैसे पैदा हो गया? जब रात में शेर आ सकता है तो बच्चा क्या चीज है? ये बात अगर संध्या को मालूम चल गई तो मुंह बंद कर। जब देखो संध्या संध्या यहाँ पर खून है। सोफा पर गन है, यहाँ पर खून, अंदर शेर। मतलब अजय को गन से गोली, शेर। अरे रुको रुको अंग्रेज। What? तुम वाइट हो, अभी नाइट है, इस वक्त कैसी रनिंग, यही मेरा डाउट है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ मैन। ये कैसी बकवास है यार। खरगोश रोज रनिंग करता है, जंपिंग करता है, लेकिन 15 साल ही जीता है। कछुआ रोज खा के सो जाता है, कुछ नहीं करता, लेकिन 100 साल जीता है। सो एक्सरसाइज इज हेल्थ, बेटर गो एंड स्लीप वेल लाइक टॉर्टोइस। ओह टॉर्टोइस, आई लव टॉर्टोइस करी। इट्स अ मैटर ऑफ वरी। व्हाई? वो लड़की कौन, वो शेर कौन, और उस बच्चे के बारे में सोचकर चिंता हो रही है हीरो जी। अब आप बिना ब्रेक लिए फटाफट स्टोरी बताइए हीरो जी। कट जहाँ किया है वहीं से ओपन करे तो। अबे वो खून नहीं है, टोमेटो सॉस है, वो देख। इसका मतलब है अजय को शेर ने सॉस में डुबा कर खा लिया। ए, हमने जो खाना खाया था वही है वो। टेंशन मत लो, थोड़ी देर वेट करते हैं, कहाँ है पता चल जाएगा। सुन जल्दी से शॉट निकाल। काई को निकालना। शेर का तो सर ही मिसिंग है। ए, अजय भी मिस हो गया है। बाथरूम में शेर, घर में बच्चा और अजय गायब। स्कैम करके सत्यानंद स्वामी की तरह कैसे हंस रहा है देखो। ए पुरुष अंदर ले जाकर क्लीन कर दे यार, तुझे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहलाकर स्प्रे भी मार दूं? हाँ जा बे। ए तू डेंटिस्ट है ना, जाकर क्लीन कर। डेंटिस्ट माउथ क्लीन करते हैं ये सब? यार 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 बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो तू साफ कर देना। हाँ यार मेरे पूछने पर क्यों करेगा, संध्या के बोलने पर करेगा, यही हमारे फ्रेंडशिप की वैल्यू ना। छिछी तू चुप कर, जरा सा काम करवाने के लिए भी संध्या का नाम बीच में ला रहे हो। तो भी ठीक है मैं ही कर देता हूँ। अबे अबे वो कोई वर्ल्ड कप है क्या जो ऐसे उठाकर दिखा रहा है? तो इसका क्या करूं मैं? एक सोनार की दुकान पर गिरवी रख कर आई से बाहर से क्या? नहीं नो नो सो क्यूट। बेबी का नाम क्या है? बिन लादेन। हाँ बोले तो ओबामा बिन लादेन। वैसे बेबी के पापा कौन? ये है। आ, आ, आ,
ये ग्लासेस उसे क्यों लगा रहा है? ये लड़कियों को घूरने में तेज है। हमसे तो कम है, निकाल। पूरा होटल छान मारा मगर अजय कहीं नहीं मिला। ए घबरा मत यार, वो कोई बच्चा तो नहीं है ना? तो वो कहाँ गया होगा? ए रात में जो हुआ था उसे ठीक से याद करो। 8 बजे हम लोग यहाँ से गए थे, सुबह 10 बजे उठे थे। बीच के 14 घंटों में क्या क्या हुआ था वो एक एक करके बता दो। एक ही साबुन से सबने नहाया था। इसके फोन पर रिंग दी थी, इसने हमें डायमंड रिंग दिखाई। रात में दारू लेकर आया, फिर टेरिस पर गए थे। नेक्स्ट। फिर सुबह हुई और मेरा दांत टूट गया। दिवाली के गिफ्ट पैक की तरह ये मिल गया। ए तुम लोग चुप हो जाओ। टेरेस पर जाकर दारू पी थी, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद पब गए थे। नेक्स्ट। वहां जाके और दारू पी थी। हां नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ए ये देखिए तो दांत जैसा है। अरे रे रे, ये तो मेरा दांत है। ऐसा क्या, लेगम लगाकर चिपका ले। पहले तो खुद मेरा दांत उखाड़ता है फिर उसे चिपकाने की बात कर रहा है। मिल गया तो चिपकाएगा नहीं क्या? तुमने दांत उखाड़ा क्यों? बोल तूने मेरा दांत उखाड़ा क्यों? तू मेरे साथ झगड़ा मत करो। पहले चुप रहो, अपनी अपनी जेब चेक करो, हो सकता है अगर कोई क्लू मिल जाए तो। ए पार्किंग स्लिप यार, सुबह 4 बजे होटल आए थे। ए, ये तो हॉस्पिटल बिल है, हम हॉस्पिटल क्यों गए थे? मेरा दांत नहीं तो अजय को कुछ। जरा एड्रेस दिखा, वहां पर पता करते हैं। हॉस्पिटल कितनी दूर होगा यार? पता नहीं यार। ये पुलिस जीप क्यों आई है? सर सर चाबी। चाबी क्या? इतनी रैश ड्राइविंग सर। पुलिस रात को उस फॉर्मर को चकमा देकर उसी के पास से 5,000 रुपए वसूल लिए। जो भी हो पुलिस हो ना सर। रात में हम पुलिस जीप में आए थे, तुम्हारी कार कहाँ पर है? यार ये हमको पुलिस समझ रहे हैं? ये बात समझ में आ गई, जरा चुप रहे, पहले यहाँ से बाहर निकलना है। चलो वैसे आपका कौन सा स्टेशन है सर? रेलवे स्टेशन है। वही रेलवे पुलिस। चलते हैं। एक ही रात में हम रेलवे पुलिस भी बन गए हैं। चल हॉस्पिटल चल यार। डॉक्टर क्या हम रात में यहाँ आए थे? आए थे ना, इसने वाइन समझकर ब्लड की बोतल पी ली और सोडा समझकर सेलाइन की बोतल पी ली। यार सर हमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। प्रैक्टिस ठीक नहीं चल रही है। इन दोनों में कनेक्शन क्या है सर? प्रैक्टिस बहुत कम चल रही है। तुम्हें इस प्रैक्टिस के बारे में बहुत पता है। अब बताओ तुम्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? सर एक्चुअली रात को जो हुआ हमें कुछ याद नहीं है। हमारे साथ हमारा दोस्त अजय भी यहाँ आया था क्या? आया था ना, बहुत स्मार्ट बहुत नॉटी था। कहाँ है वो? सर रिपोर्ट्स। ये तुम्हारी रिपोर्ट्स है। हमारी रिपोर्ट्स? रात में पी करके ब्लड टेस्ट करवाया था ना भाई, तुम तो अपना दांत भी उखाड़ लाए थे। आई एम आल्सो डॉक्टर, कैन आई सी इट? ए ज्यादा डॉक्टर मत बनो, रात भर तुमने बस एक ही बात कही है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तुम डेंटिस्ट हो, सही कहा ना? आ जाओ। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हारे ब्लड में ब्लूबर्ग नाम का ड्रग कंटेंट ज्यादा है, उसी वजह से रात को जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें याद नहीं। वो ड्रग हमारी बॉडी में कैसे आया सर? लेते हो तभी आया। हमने लिया लेकिन हम सर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नो प्रॉब्लम, उसका असर खत्म हो गया होगा। थैंक यू सर। इसे लेने का इरादा है? नहीं सर। सर सर रात में हमने क्या बात की थी आपको याद है क्या? याद है, आजकल पेशेंट्स बहुत कम हो गए हैं ना। हाँ सर। ये लीजिए। रख दिया। हाँ अब मुझे याद आया, रात को कोई शादी का टॉपिक उठा था। हाँ वो अजय की शादी होने वाली, वही टॉपिक होगा। होने वाली शादी नहीं, हो चुकी शादी का। हो चुकी? हो चुकी शादी? कहाँ पर? विल्ला मैरी चर्च में। उसके बारे में बताने के लिए। विल्ला मैरी चर्च? अरे चलो चलो। वो लोग चले गए सर। अब जेब में है। विल्ला मैरी चर्च यही है, देखते हैं। यार बच्चा सो गया है, कार में छोड़कर आ जाना। यार ये चर्च तो बाहर से ओल्ड और अंदर से गोल्ड है। सब घोड़ी चढ़ते हैं, इसने घोड़ी को चढ़ा कर रखा है। हे जिलेबी, इस जैक्सन के साम्राज्य में फिर से आ गए। जैक्सन? हे मेरा लंबा जलेबी। तुम जलेबी नहीं हो, जंगली हो। हे शिव जलेबी, बिना लगाम की घोड़ी की तरह एंजॉयमेंट के लिए जन्म लिया है। एंजॉयमेंट और ये ओहो वाइल्डेस्ट क्रेजी। ए छोकरी मेरे दोस्त आए हैं, जाके जलेबी लेके आओ। इस वक्त जलेबी किस लिए सर? जलेबी का मतलब चाय लेके आएगी। टाइम के हिसाब से मेरे हर इशारे को समझ जाती है मेरी छोकरी। अरे सिर्फ 3 इडियट्स आए, 4th इडियट का है? सर रात में क्या हुआ था बताएंगे? शादी हुई थी। किसकी? तुम्हारी और मेरी। अरे ओ मेरी पागल जलेबी, असल में क्या हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं है? नहीं सर। सच में याद नहीं है? ओपन करो। हे
कांग्रेचुलेशंस यार, रात में तो तेरी शादी हो गई। ए शिवा, कहना तो पड़ेगा यार, इन फोटोज में तो बहुत खुश लग रहा है। सर, रात में यहाँ कितनी शादियाँ हुई थी? सिंगल मैरिज हुई थी, तुम में से किसी और को करनी है? नो प्रॉब्लम। हम नशे में थे, हमारी शादी कैसे कर दी तुमने? अरे मेरे प्यारे जॉनी वॉकर, गोवा में मूड की जरूरत है, मुहूर्त की नहीं। हो गई, मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। जिसका मुझे नाम तक नहीं पता उससे मैंने शादी कर ली, सब खत्म, अब मैं पूरी तरह खत्म हो गया। तो चुप कर। सर, इस शादी को कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा? हे प्रभु, इस पापी को क्षमा कर दो। इस पापी जलेबी के साथ अगर बीवी जलेबी भी दस्तखत कर दे तो शादी कैंसिल हो जाएगी। सर, उस लड़की का एड्रेस है? हाँ, यहीं कहीं तो रखा था। अरे रे रे रे, ये रहा एड्रेस, ये देखो, ये रहा टी शर्ट, कैप भी है, कप भी है, बुके, यार ये भी है। ये सब क्या है यार? तुमने ही तो कहा था हमारी शादी में चाहे जितना खर्च हो बहुत धूमधाम से होनी चाहिए, सबके मुंह से सिर्फ तारीफ ही निकलनी चाहिए। वो तो समीरा के कहने पे रुक गया, नहीं तो इंटरनेट में, टीवी में, पेपर में, सब जगह पहुंच जाती बात। ये सब क्या मैंने कहा था? हाँ, कहा, कहा ही होगा। ए, एड्रेस मिल गया ना, चलो अब चलते हैं। यार, जो गीता मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी, उसने मुझे किस किया? बहुत अजीब लग रहा है यार। तेरी पसंद की लड़की ने तुझे किस किया, तुझे शौक लग रहा है? कल रात एक अनजान लड़की से मैंने शादी कर ली, तो सोच मुझे कैसा लग रहा होगा, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया। ये बता, ये कप्स कहाँ रखना है? मेरे सर पर रख दे। ये क्या? ये कप, ये प्लेट, ये सब कुछ तू बर्बाद कर दे, सब कुछ जला दे। ये कैप, वो पुलिस जीप, सब कुछ जला दे, बर्बाद कर दे। पुलिस जीप जलाएगा? हाँ, जलाऊंगा। उसके लिए प्लान की जरूरत नहीं है, बस बस पेट्रोल काफी है। देखना अजय होगा। संध्या, काट देना। अबे सुबह से बात नहीं हुई है, रुक। अरे सुन तो। हेलो, हाय स्वीट हार्ट। पता है ना स्वीट हार्ट, ये शब्द पापा को पसंद नहीं है। या आई नो। सुबह से कॉल क्यों नहीं किया तुमने? कहाँ हो और क्या कर रहे हो? वो मैं सबके साथ जरा। पुरुष, तू ड्राइव कर यार। ओके। हे शिवा, जल्दी आ। बेबी, मैं कार में बैठ के बात करता हूँ। ओके। देख तो बच्चा जागा तो नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बस बैठ कर। समीरा, हाउस नंबर 36, गांधी नगर। एड्रेस तो यही है यार, कैसे भी इसको कन्विंस कर लेना प्लीज। हाँ। कहाँ गए थे? टेंशन से सिर दर्द कर रहा था, पकड़िए। अरे मेरा सोना, माय बेबी। मैंने रोज कॉफी के साथ किस मिक्स करके देने को कहा था, कॉफी आने से पहले ही आप मिस हो गए थे। मैंने कब बताया था? पुरुष के बारे में बता रहे थे तभी बताया था। कौन सा? बाजू वाले आंटी का मैटर? नहीं, उससे पहले काम वाले की बात बताते वक्त। ओके ओके, अंदर आ जाइए। तू रुक ना। चुप, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या रे, इसे मेरी सारी स्टोरी बताने की क्या जरूरत थी? तू चुप ना। एनीवेज यार, कांग्रेचुलेशंस, मुझे लड़की बहुत पसंद आई। और मुझे वो बच्चा पसंद आया। कॉफी। कल हमने आपको रुलाया तो नहीं ना? ये बच्चा हमारा है। हमारा है? और नहीं तो क्या, मैं माँ हूँ और तुम पापा। अब धीरे धीरे मुझे सारी बातें समझ में आ रही हैं। ओ, ये देखो, क्या चाहिए? लगता है आपको कोई बहुत याद कर रहा है। संध्या के अलावा कौन हो सकता है? रोनो मत मेरे बच्चों, पापा आ गए हैं ना, चलो क्लीन करती हूँ। यार तूने देखा ना? नहीं नहीं, तेरी प्रॉपर्टी को मैं कैसे देख सकता हूँ, वो भी तेरे होते हुए। उसके हाथ की रिंग देखी कि नहीं? मेरी दादी ने जो रिंग मेरी वाइफ के लिए बनवाई थी, वहाँ कैसे पहुँच गई? अभी तो तेरी वाइफ ने पहनी है ना। अगर संध्या को पता चल गया तो मुझे जेल भिजवा देगी वो। मैं बेल दिलवा दूंगा ना। किसको? संध्या को? नो। क्यों जी, आपस में क्या बातें कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बच्चे का नाम कलाम रखा है, अब्दुल कलाम की तरह बनाने वाली हो क्या? ऐसी बात नहीं है, कलाम जी के बर्थडे के दिन ये मुझे मंदिर में मिला था, इसलिए मैंने इसका ये नाम रखा है। मेरी तरह अनाथ ना हो जाए इसलिए मैं ही पाल रही हूँ। यहाँ बैठ जाओ। यार उसके पास ऐश्वर्या राय जैसी सुंदरता ही नहीं, मदर टेरेसा जैसा साफ दिल भी है। हाँ यार, मुझे लग रहा है ये लड़की तेरे लिए सही है। तो तू शादी कर लेना, बेकार की बात कर रहा है। सोचा था कि मदद करोगे, यहाँ उल्टी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ए, अरे शिवा। हाँ
मैडम। ये मैडम मैडम क्या कह रहे हो? समीरा। समीरा जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ए, हमने तय किया था ना, पर्सनल सब रिसेप्शन के बाद होगा, मुझे टेम्प्ट मत करो। अरे यार, अंदर क्या हो रहा होगा? हमें तो कॉफी दी, उसे क्या दे रही होगी? मेरी सिचुएशन को समझिए प्लीज। मैं समझ गई, बस एक किस्से एडजस्ट कर लीजिए, ओके? किस, ये क्या कह रही है? देखिए, ये कल रात जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। What? कल रात जो कुछ भी हुआ आपको याद नहीं है? याद नहीं है मतलब आपको ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ? आप डॉक्टर हैं क्या? हाँ, डांसर हूँ। डांसर हो? कुचिपुड़ी? तरह से हमारा मैरिज मेमोरेबल हो गया। मेमोरी के बिना हो गया। अरे हाँ, वैसे शादी में अजय था क्या? हाँ था, शादी में बेस्ट मैन मतलब साथ रहने वाला अजय ही तो था। वैसे अजय कहाँ है? मतलब आपको भी नहीं पता? हैंड्स अप। कॉफी पीकर उठा सकते हैं। स्कूल में गलती करो तो लास्ट बेंच, लाइफ में गलती करो तो ये बेंच। चोरों और क्रिमिनल्स को इकट्ठा करके यहाँ लेकर आते हैं। इस बेंच पर कभी नहीं बैठना चाहिए, समझ गए? समझ गए सर। चल हट। देख क्या रहा है बे, बीन बैग। श्रुति का फोन है यार, मुझे डर लग रहा है। श्रुति, श्रुति। हाय अजय। मैं जावा बोल रहा हूँ। हाय जावा, अजय कहाँ है? कल से फोन नहीं किया उसने। दरअसल हम सब ने मिलकर एक कंडीशन रखी थी, जब तक गोवा में है तब तक लवर्स और वाइफ से बात नहीं करेंगे। तुम लोग सच में अजीब हो। अजय कैसा है? अभी तुम्हें फोन करके तुम्हारे बारे में पूछने को कहा, इतने में तुमने ही फोन कर लिया। मैं ठीक हूँ। बाय द वे, यहाँ तुम्हारे मैरिज गिफ्ट के तौर पर एक होटल में रूम बुक किया है, सुपर स्टार होटल है श्रुति, अगर तुम हाँ कहो तो कल सुबह सब मिलकर निकल जाएंगे। लेकिन मुझे एक बार अजय से बात करनी है। मुझे बोलो ना, मैं बोल दूंगा उसे। वो बोलने वाली नहीं, देने वाली बात है। किस देना है? किस? अजय को मैं कर दूंगा ना। अब आपको नहीं, फोन में अजय के लिए। छी, ये तो उस टाइप का है। तुम सब लोगों को सर अंदर बुला रहे हैं, जल्दी आओ। ए चलो यार। ए, मैंने जो कहा वो ठीक से याद है ना? हमें उस एसआई को कैसे भी करके पटाना है। हाँ। ये मास्क किस लिए लगाया है? स्वाइन फ्लू हो गया लगता है। सर, रात में जो कुछ भी हुआ हमें याद नहीं है, हमारा दोस्त भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सर, उन मूंछों में आप मस्त लग रहे हैं सर। अब मूंछों से क्या लेने देना? आपकी कार लौटाने के लिए हम कहां कहां नहीं घूमे सर, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इन मूंछों में तो आप बिल्कुल माइकल जैक्सन लग रहे हैं सर। अबे, माइकल जैक्सन को मूंछ नहीं थी। ये बात उस गधे को नहीं पता। मूंछों के बारे में अभी क्यों? ज्योति, रात को क्या हुआ बताओ इन्हें। छी, रात की बात अभी किस लिए सर? अरे घर का मैटर नहीं, रोड का मैटर। रोड का मैटर? वो मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती, आप ही बताइए सर। दरअसल हुआ ये था। कांग्रेचुलेशंस शिवा समीर। शादी करने के बाद अगर पार्टी नहीं देगा तो क्या फायदा? खाली दारू की पार्टी देके बचना चाहता है वही। बिल्कुल, अब चलते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं। मुझे पब में नहीं आने देंगे। अपने पुरुष के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, मिनटों में तुम्हारे गांव को ठीक कर देगा। Keep a fadeaway shot, cause we ballin' this partner, Patron every hour. Look, mama, ow, you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goody powers. You spin my head right round, right round. When you go down, when you go down, down. Yeah, yeah, dharti hil rahi hai. क्या कर रहे हो यहाँ? अरे ये कौन है यार, इतने नजदीक से एक हाथी को कभी नहीं देखा। क्या हो रहा है यहाँ? पब जाने की तैयारी कर रहे हैं वॉचमैन। सर, ये तो रॉयल कैसीनो की डांसर है। ये बच्ची कौन है? समीरा। ये मेरी बीवी है, समझे? बीवी बोल रहा है। बीवी,
शादी कब हुई? 10 minutes back. कब से जानते हो? 1 घंटे से. 1 घंटे पहले मिलकर 10 मिनट के अंदर शादी कर ली. Yes. इस लड़की को देखते ही तेरे पास आकर तेरी परमिशन लेने के बाद पटा कर तू जितने दिन कहे उतने दिन प्यार करके तेरे मानने के बाद शादी करेंगे क्या? अरे तू कौन है रे मोटे? तो क्या हुआ यार? अरेस्ट वारंट है क्या या फिर अपॉइंटमेंट ऑर्डर है? चल ठीक है, आधार कार्ड दिखा. चल दिखा ना. किसी कार्ड के बिना ये ड्यूटी कैसे कर रहा है? लव यू राजा. बता इसको कौन सी पनिशमेंट दे? डिसाइड कर कौन सी पनिशमेंट देनी है. समीरा डिसाइडिंग पनिशमेंट. मुझे को देखकर मुझे डर लग रहा है. एम्बुलेंस में बैठकर पूरे सिटी में सायरन बजा के घूमेंगे. चलो रो मत ज्योति. रो नहीं तो क्या करूं जी? ये तो ठीक है ना, सिर्फ मूंछें ही तो कटी हैं. उन्हीं मूंछों को देखकर तो मैंने इनसे शादी की थी. अब उन मूंछों के जाने के बाद इंसान के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता सर, है? अगर ये बात बाहर पता चली तो पैसों के साथ इज्जत भी चली जाएगी. इसलिए अगर हमें हमारी कार दे दें तो हम भी ये बात किसी से नहीं कहेंगे. मेरे पति को अपनी बातों में फुसला कर उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मैडम. ज्योति ठीक है, तुम्हारी कार तुम्हें दे देंगे, लेकिन एक काम करना होगा. लड़कों को डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं, तुम्हें भी शामिल होना होगा. बच्चों के लिए हम कुछ भी करेंगे सर. भारत के भावी नागरिकों को नमस्कार. इंसान को बिना मारे बिना चोट पहुंचाए अगर बेहोश करना है तो स्टन गन को कैसे इस्तेमाल करना है आज मैं बताऊंगा. प्रैक्टिस में ये तीनों हमारी मदद करेंगे. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. इसका इस्तेमाल दो तरीकों से किया जा सकता है. एक पास से ऐसे. अरे क्या हुआ ऐसे? इधर दूर से भी शूट कर सकते हैं. शूट करने के लिए कौन आएगा? जो जो इंटरेस्टेड है हाथ उठाओ. हे भगवान, इतने सारे लोग. नहीं बेटा, प्रैक्टिस है ना, तो यहाँ शूट करो या फिर यहाँ पे करो. तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी है. एम एट द टारगेट. नहीं इस मैच में ये बहुत बुरा टॉर्चर है. इसे टॉर्चर करने आगे कौन आएगा? देखता है वे बीन बैग. डेमोंस्ट्रेशन में हमारे बच्चों की बहुत मदद की. थैंक्स थैंक्स. हेलो. हाँ मैग्नेट मामा, कैसे हो? वैसे फूलों में सजा कर देना चाहता था ना, इसलिए गोवा गया. यार नशे में बेकारी, इससे कमिटमेंट कर ली. मैग्नेट मामा को रात में गोवा बुलाया था, वैसे फूलों में सजा कर दूंगा ऐसे कहा था. फूलों में तब, मामा जी मैं फूलों के लिए मार्केट में आया हूँ, रिसेप्शन में कॉल कर दूंगा, तुम जाकर चाय बना देना. शेर से सावधान, यहाँ बब्बर शेर आया रे. अरे नालायक कहीं के, पी पी कर स्टार होटल को दारू का ठेका बना के रख दिया है. चरनी करके सारा शरीर दर्द हो रहा है, रिफ्रेश होना पड़ेगा. बाथरूम कहाँ है? कार में लेडी चप्पल क्या कर रही है? तेरी बीवी की हो सकती है, जल्दी से छुपा ले. चुप कर. देख अगर कार में कुछ मिलता है तो.
हुलाला 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 बचपन शेर की तरह जिया था, अब शेर के हाथों मरेगा? नो, तुझे मरना नहीं है, तुझे जीना होगा। बचपन में मरने की एक्टिंग करके फर्स्ट प्राइज जीता था ना, अब वही कर। अब बिना हीले अगर बैठा रहेगा तो शेर तुझे मूर्ति समझकर छोड़ देगा। कम ऑन, फ्रीज। यार मैग्नेट, तू साधारण एक्टर नहीं है, तेरी एक्टिंग देखकर सुपरस्टार्स भी पानी मांगने लगते हैं। अरे ये क्या, कल रात मैंने बैंक से 1,00,000 रुपए निकाले थे क्या? ये पैसे तो मैंने शादी के लिए बचा कर रखे थे। तेरी शादी हो गई ना, नो प्रॉब्लम। अबे मैग्नेट, मामा को शेयर के बारे में नहीं बताया यार, रुक फोन करता हूँ। मामा फोन नहीं उठा रहे हैं, कैसे होंगे वो? शेर के पास बिल्ली की तरह गिरा हुआ था तो बाहर फेंक दिया बॉस। पता है इससे क्या करते हैं? नहीं सर, मैं आप लोगों को नहीं जानता हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता सर। You my darling tiger steel। कहूंगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो छोड़ देंगे शायद। सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है। No English? You no English? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? No English बोल के मुझे इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश सर की जान है, जिसे नहीं आती कीमा बनाकर टाइगर को खिला देते हैं। ये बात मुझे पहले बताना था ना सर। No English, no. Yes English, yes. Yes English. Speak English. He no English. I am happy. Happy. You my darling tiger steel. Me? Not steal your tiger, sir. Who is steal? Java badge. Steal, sir. Not only tiger, sir. My money also steal, sir. No money, sir. Sir, give 10 rupees, sir. Hey. या, ये आवाज कहां से आ रही है? टिक्की से? कहीं आ चढ़ा रस चाहिए। क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ। अरे कुछ मत कर, अरे मत मार, मत मार। चाहे तो तुझे नए कपड़े दिला दूँगा, पैंट भी दिलाऊँगा, अंडरवियर भी दिलाऊँगा। अरे भगवान छोड़ दे। ये कौन था? अरे बाप रे। Hey, you call Java gang here. I live. Underwear. Underwear? अंडरवेयर। अंडरवेयर, अरे इनका मतलब है अंडरस्टैंड। वही अंडरस्टैंड। अंडरवेयर, यू इंग्लिश, वेरी गुड इंग्लिश सर, सुपर्ब सर, सुपर्ब सर। अंडरवेयर सर, बिग 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 अंडरवेयर सर। कॉल कॉल जावा गैंग। वो कौन था यार, अपने को इस तरह मार पीट कर भाग गया? प्रसाद हो क्या रहा है? पता नहीं, पुलिस स्टेशन चलते हैं। अब इस टाइम मैग्नेट मामा फोन कर रहे हैं। हट। हेलो हेलो, फोन उठा नहीं रहा है सर। सर दोबारा मिलाता हूँ सर, ऐसे देखिए मत सर। क्या? तुम लोगों से एक बात छुपाई थी मैंने। कैसी बात? कल रात जब मैं शराब लेकर आया था तब उसने मुझे एक पेपर में
पाउडर दिया था ये कहकर कि इससे दुगना नशा होगा, तो मैंने खरीद लिया। इतना भयंकर होगा ये नहीं पता था। दिमाग है कि नहीं तेरा? देख क्या से क्या हो गया, अजय भी नहीं मिल रहा है, मेरा दांत भी टूट गया, मेरी शादी किसी और से होने वाली, किसी और से हो गई। समीरा को ऐसा मत बोल। अरे तो क्या बोलूं, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। मामा मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ, फोन रखो, चलो। वो बिजी है सर, गुस्सा हो रहा था। यू फ्रेंड्स बिजी मतलब आई नो वर्क आई नो टेम्पल। सर कह रहे हैं तुम उनको आवारा बोल रहे हो। मैंने वैसा नहीं सोचा सर, आई डू नॉट सर। कट दिस गाय पीसेस एंड थ्रो टू कौवे एंड कुत्ते। समझ गया सर। सर बोलो कहाँ है, पता चल गया। आज ये तो तू है। Hey, me Goa King, my tiger, baby of the palace. उसी में तुमने मेरी बेबी को, you all will die. ओए, ये इंग्लिश का दीवाना है, अच्छे से बात करने पर छोड़ देगा। इंग्लिश में कुछ बोल दे यार। What? सर ये इंग्लिश में पिस्ता है सर, पिस्ता बहुत अच्छी इंग्लिश बात करता है। स्पीक वेल सर। यस सर। यस हाय बिग पिस्ता। हाय वी आर पिस्ता सर। पिस्ता इन इंग्लिश सर। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज़ इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज सर। इट हैज अ लॉट ऑफ राइम्स, रिदम्स एंड पोएम्स। इंग्लिश इज द पास्ट ऑफ द क्राइस्ट सर। कंडीशंस ऑफ द कंसंट्रेशन एंड द कंजक्शन ऑफ इंजेक्शन सर। इंजेक्शन आर द इरिटेशन, टेम्परेचर फ्रस्ट्रेशन आर ऑल ओवर द नेशन सर, बिकॉज़ कंडीशंस ऑफ द कॉन्स्टिपेशन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डोमिनेशंस, दीस ऑल लीड्स टू द इंजेक्शन ऑफ द इरिटेशन ऑफ द इट्स ऑफ द डिकॉफिनेशन ऑफ द destruction of the devolution of the coffee decoction sir. Wow. I like English. Me too sir. What a hit. You like English and I like sir. I you live. Thank you sir. Now you all bring tiger home. Why smiling? You know, underwear sir. You not underwear. Ajib, Ajib, Ajib match sir. I give one idea sir. Brilliant, brilliant idea. What? You take one person from them. Two persons will come with the tiger. Tiger, home. Oh, good idea. Idea na sir. I will take. Yeah. Take उसे सर। I will take mama. I love mama. Thank God. यार इस शेर को उसके पास कैसे ले जाना है? यार मेरे पास ना बेहोश करने वाली कुछ टैबलेट्स पड़ी हैं। अगर वो शेर को दे दी तो दो घंटे तक वो उठेगा नहीं। लेकिन एक शेर को टैबलेट कैसे दे सकते हैं? एक दो तीन चार। हाँ अभी खिला देते हैं। यार शेर है, ध्यान से खोलते ही रखकर आ जाना। ध्यान से, हाँ ध्यान से। हाँ अब देखना, 10 मिनट में ये बेहोश हो जाएगा पूरी तरह। ए, ठीक से खड़ा नहीं रह सकता। ए, बच्चे पर चिल्लाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उसमें ऐसा क्या है जो नहीं देख सकते? शेर है। क्या कहा, शेर? पागल समझा है क्या? बच्चा ये है, मैं नहीं हूँ, मजाक मत करो। हाँ ठीक है, अगर इतना ही शौक है तो देख। यार इसका घर तो व्हाइट हाउस की तरह कितना बड़ा है ना सर। जैसा आपसे कहा था, आपके शेर बेबी को आपके आदमियों को सौंप दिया है। चलते हैं सर, चलते हैं सर। हाँ सर, बैठ जाइए यार। सेट, रिमोट ले लो, टीवी ऑन करो, दरवाजा खोलो। अबे यार ये तो अजय, मुझे अंदर जाना है। वो ठीक ही है यार, बताओ ना। चलो अच्छा हो गया सर, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है सर, हम जो भी करते हैं चारों साथ मिलकर करते हैं। आगे देखो। Hey, ये तो मैं हूँ सर, फर्स्ट टाइम ऑन टीवी सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। Hey man, अरे क्या कर रहा है?
पनिशमेंट क्या है बता दीजिएगा। स्विमिंग पूल में जाओ और नहाओ। इतना ही है सर। थैंक यू सर। ये तो बड़ी सी बिल्ली को मार रहा है। कितनी क्यूट बिल्ली है। वेरी क्यूट। बेचारी को कुछ खाने को दे क्या? हमारे पास क्या है दारू के अलावा? दारू दे दे, तुम बोलती हो तो दे देते। इसको देगा? अरे बेचारी बिल्ली, पीने दे ना इसको, प्यास लगी होगी बेचारी को। पीने दे, पीने दे, ये ले, चीयर्स। पी ले। दारू पी, बिल्ली, क्यूट क्यूट बिल्ली। उसे थोड़ी सी पिला दी कुछ थी। मिलाकर उसे खाने को दिया था। इम्पोर्टेड लिकर थी सर। शिवा, मुझे ना ये बिल्ली चाहिए। डोंट वरी बेबी, हम इस बिल्ली को लेकर चलेंगे। यार तुम लोग भी आ जाओ। सर सुपर फ्रेश पानी है, नहा के एकदम फ्रेश हो गया हूँ। तुम लोगों ने मिस कर दिया। सर डिस्टेंस, क्लोरीन थोड़ा ज्यादा था। अबे वो क्लोरीन नहीं, यूरिन है। यूरिन? उसी में रात भर तूने ये मजाक था। जागृत मामा के आने से पहले भाग जाते हैं। चल चल। सर शेर को पाल रहे हो, सांप को पाल रहे हो, तो मक्खी से क्यों डरते हो सर? उस मक्खी की वजह से मैं यहाँ हूँ। रात में जो मेरी शादी में थे वो सब शेर राजा के पैलेस गए थे, गीता के अलावा। यार ये तू क्या देख रहा है? गीता की फोटो यार, वहाँ 18 बैच के पास से उठा ली थी। गीता कहाँ हो तुम? आ जाओ ना। ए, हमें कोई फॉलो कर रहा है यार। यार स्पीड बढ़ा और टर्न ले ले फटाफट। गलती कर दी, मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यू डर्टी मंकी। सर कौन हो आप और हम पर ऐसे अटैक क्यों कर रहे हो? अरे रे 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 रे। कितनी अच्छी तरह अनजान होने की एक्टिंग कर रहे हो तुम लोग। हैं क्लब में मजाक कर रहे थे बोलकर तुम्हारी मदद करने पर मुझे ही धोखा दे दिया। हा? हमने क्या किया सर? धोखा तो दिया, ऊपर से कपड़े उतरवा कर स्टेज पर डांस करवाओगे? यार इनके कपड़े उतार कर डांस करवाया था। किचा किचा किचा। वेयर इज शी? हु इज शी? वेयर इज शी? हु इज शी? वेयर इज शी? कौन चाहिए बताना? समंता। समंता? यस माय डार्लिंग समंता, ख्याल रखने के लिए छोड़ा था, लेकर चले गए। रात को हम समंता को लेकर गए थे। लेकर गए होंगे। मतलब रात भर समंता हमारे पास थी, रही होगी। किच्चा, अगर मेरी समंता को कुछ नुकसान हुआ तो तुम लोगों को काट डालूंगा। कितनी महंगी महंगी दाने चुनकर खिलाता था मैं अपनी समंता को। आजकल समंता डाइट पर है। मुर्गी कभी डाइटिंग करती है क्या रे? वो कोई मामूली मुर्गी नहीं है, करोड़ों में कराएगी मेरी लकी मुर्गी। तेल बेचने वाला मैं, मुझे डॉन बना दिया। मेरी मुर्गी को लेकर आओ और अपने दोस्त को लेकर जाओ। चलेगा ना। बैक 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 बैक। लेकिन पहले मेरी समंता, फिर तुम्हारा दोस्त। ओके सर, हम आपकी समंता को लेकर आ जाएंगे। कैसे लेकर आएंगे? वो कौन सी बॉयलर मुर्गी है? सफेद मुर्गियाँ बाहर बाजार में बहुत मिलती हैं। सर आप यहीं रहिए, एक घंटे में आपको आपकी समानता मिल जाएगी। खिचा, खिचा, चलते हैं। प्लेस टाइमिंग, किचा कहने वाला सिर्फ मैं हूँ। हेलो बॉयज, कम ऑन। कल सुबह समुद्र के किनारे सूरज के उगने और चांद के ढलने के बीच में मिलेंगे। हमारे बीच कोई नहीं आएगा। इतना बिल्डअप रहने दीजिए सर, जैसे हम बहुत बड़े डॉन है। तुम लोग डॉन नहीं हो सकते, सिर्फ मैं हूँ डॉन। Get that money.
सेंड माय समांता। नो, पहले हमारे अजय को यहाँ भेजो, बाद में आपकी समांता आपको मिल जाएगी। यस। ए, ये मेरा एरिया है, यहाँ जो मैं कहूँगा वही होगा और कुछ नहीं। ए, अरे दे दे यार। क्या हुआ, शक क्यों करते हो? ये खरीदी या चुराई हुई नहीं है, ये तुम्हारी समानता ही है। चाहो तो देख। क्यों बुक रहे तू? ये मेरी समानता नहीं है। वो आपकी समानता ही है, ना कहने के लिए प्रूफ नहीं है। मेरी समानता के पैर में डायमंड रिंग होनी चाहिए, वो नहीं है, नहीं है। यहाँ है, यहाँ है। ओके। कैसे यार, काटते वक्त पैर की रिंग मैंने कान में पहनने के लिए निकाल ली थी। अरे अजय, अजय ये कौन है? हाय गाइस, मेरे लिए तुम लोगों ने इतना रिस्क उठाकर सैम को सेट किया। सैम मतलब समांता। मैंने नकाब में से सब कुछ सुन लिया था, तुम लोग सच्चे दोस्त हो। ये हमारा दोस्त नहीं है, चाहो तो इसे ले जाओ और अजय को वापस दे दो। हम उसका क्या करेंगे, उस बक्का को तुम ही रख लो। हम बक्का को रखकर क्या करेंगे बोलो? उसके साथ मिलकर पिंग पोंग खेल खेलो। जावा, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। रात में तुमने ये कहा था ना कि अगर तुम चार शेर हो तो बीच में मैं नरसिंह हूँ। सच में? अगर तुम चार दिशाएं हो तो ये बक्का आसमान है। क्या बॉयज, क्या हुआ? रात में तो कैसीनो में किंग की तरह रह रहे हो। कैसीनो? इस तरह उदास क्यों हो गए? बक्का जी, सारी बातें हम क्लियरली नहीं बता सकते। रात में जो कुछ भी हुआ था वो डिटेल में बता दो। रात में कई पब्स में घूमकर तुम आखिर में कैसीनो आए थे। ए, चिकनी चमेली, चिकनी चमेली। ये चमेली नहीं, समंता है, मेरी लकी मुर्गी। किच्चे। जावा जावा, देखो तुम्हारे लिए कौन आया। वाओ गीता, एक्सपेक्ट किया था मेरा नसीब बदलने के लिए तुम आओगी। क्या हुआ, मुझे देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पाई होगी ना तुम डार्लिंग। शट अप, मेरी डायरी तुम्हारे पास है। होटल गई थी तो उन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया, प्लीज मेरी डायरी दे दो। दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ ही रहो, देखता हूँ शायद अब मेरा लक बदल जाए। नो, तो नो डायरी, वेट करो। प्लीज अंडरस्टैंड। तो फिर जस्ट साइड स्टैंड। अरे हाँ, हम 12 तारीख को मिले थे याद है, तो मैं 12 पे लगाता हूँ, तो 1000 रुपए लगाऊंगा। अगर जीते तो 36000 मिलेंगे, मतलब 1 के 36 मिलेंगे। 14, 2012, 2012, 16, 8000, 16, 12, 26. गीता, तुम्हारा लकी नंबर क्या है? मेरी डायरी। गीता रिलैक्स, तुम्हारी डायरी कहीं नहीं जाएगी। वैसे तुम्हारा लकी नंबर बताओ तू। बोलो ना। ओके, 13। 13 पर 1 लाख। पूरे लगा रहा हूँ, 3 लाख ऑन 13। Hey मिस्टर, keep my Samantha। लगाओ। हाँ, play करो। चलो लगा। मेरा लकी नंबर है 9। अगर ज्यादा बात की ना तो तुझे और तेरी मुर्गी को गरम करके खा लूंगा। ऐसे जीतने का कारण मेरी गीता है। मैंने कहा था गीता, तुम हो तो मैं जीत जाऊंगा, और आज मैं सच में जीत गया। तुमसे पैसे लेकर तुमसे ही डांस करवाऊंगा। तू हमें डांस करवाएगा? अब इसके कपड़े उतार कर इसे ही डांस करवाता हूँ। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? इस बक्का वेंकट को क्यों पकड़ रहे हो? मैं इस तरह 1 करोड़ रुपए लेकर तुम वहाँ से चले गए और उसके आदमी मुझे लेकर चले गए। 1 करोड़ रुपए? यार, त्री लाइफ का मिशन तो पूरा हो गया। रुकना, तुम जानते हो हमारा अजय कहाँ है? मुझे क्या पता, मेकअप के बिना चेहरा खराब हो जाता है, तो मैं जरा लगा के आता हूँ। शायद समंता और इनके बीच में कोई लिंक है। मुझे इलियाना ना सही समंता तो मिल ही जाएगी, इन्हें फॉलो करना बेटर रहेगा।
ये बोल रहा है हमने कसीनो में पैसा जीता है, तो वो पैसा कहाँ है? गीता कहाँ है? यार अजय को लापता हुए 24 घंटे हो रहे हैं। ये मेहंदी लगाने के बाद जाकर रेस्ट कर लो, ठीक है ना? श्रुति, अजय का कोई फोन आया था क्या? नहीं पापा, मैं मना कर रही थी कि मत भेजो, आपने ही नहीं सुना। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो शादी करना चाहता भी है या नहीं। कल उसकी शादी है और अब तक उसका कोई पता नहीं। अगर वक्त पर नहीं आया तो समथिंग रॉन्ग यार, अजय को कुछ तो हुआ है। अब छुपा कर कोई फायदा नहीं है, श्रुति को फोन करके सब बता देते हैं। अबे यार फोन करना यार। तू बात कर। हाँ? बात कर। हेलो श्रुति। हेलो अजय। अजय। हाँ अजय। वो हेलो क्या हुआ अजय? भाई से बात करो। अरे अजय यार। आज तक कोई भी आदमी मेरे कैसीनो में आके पैसे जीत कर नहीं गया है। तुमने जो करोड़ रुपए जीते हैं वापस करो और इसे लेकर जाओ। करोड़ रुपए? सर उन पैसों के बारे में हमें अभी पता चला है। सर वो करोड़ रुपए कहाँ है हमें नहीं पता सर। ये कहानियाँ किसी और को जाकर सुनाओ। दो घंटों के भीतर अगर मेरे सामने नहीं आए तो सर, 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 उसे कुछ मत करना। ए, आ जाओ। यार समीरा को पैसे के बारे में या गीता के बारे में कुछ भी नहीं पता यार। अब क्या करें यार, उसे पैसे चाहिए और हमें अजय। यार जुए में एक टेक्निक होती है ब्लफ, जो हमें जरूर जीतना हो उसमें सही पता ना आने पर भी दिखाना ऐसे है जैसे वही पता आया है। मतलब वैसे ही हमारे पास पैसे तो नहीं है लेकिन बिहेव करना है जैसे हमारे पास पैसे है और अजय को छुड़ाना है। मतलब हम हरी को धोखा देंगे? यस, ऐसे लोगों के साथ धोखा करना गलत नहीं है। कहा था ना अगर एक रुपया भी कम हुआ तो कोई नहीं बचेगा, ऐसे में तुमने ईंट भर के लाने की हिम्मत कैसे की? हे, क्या हुआ यार, टेंशन में क्यों है? सब कुछ बता फिर भी पूछ रहा है तू। अगर वहां गए तो हमें मार देंगे या फिर उसे मार देंगे और इस सबकी वजह तू है। तू हमेशा मुझ पर आरोप क्यों लगाता है? मैंने जानबूझकर थोड़ी ना मिलाई थी, ये ट्रिप की प्लानिंग तूने की थी, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। बस करो, यहाँ आपस में एक दूसरे को मारोगे वहाँ अजय उनके हाथों मारा जाएगा और तुम सबको देखकर मैं मर जाऊंगा। मौत को भी बांट लेते हैं बोलकर सब हमारी फ्रेंडशिप की तारीफ करेंगे। हेलो सुनिए, आपके लिए एक गुड न्यूज है। क्या? मैं पापा बनने वाला हूँ। अनीता तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बहुत याद आ रही है, जल्दी आ जाइए, हम दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यार पुरुष तू अभी घर चला जा, इस वक्त अनीता के पास तेरे रहना। साथ बड़े हुए हैं, साथ घूमे हैं और साथ में आए थे, भले मौत भी आ जाए साथ में सामना करेंगे। अजय कहां पर है? hey! अजय अजय पहले कैश। ए, वो जैसे ही उस सूटकेस को खोलेगा मैं उसे देख लूंगा, इतने में तू बाजू वाला वो मेन बोर्ड बंद कर दे। भांजे यहाँ क्यों बुलाया है? यहाँ पर तो बिल्कुल अंधेरा है, वापस कौन सी फिटिंग की है? कौन है तू जो बीच में आ गया? मैं बीच समझकर नहीं आया बाबू, कसीनो के बगल की शेड में आया हूँ। भांजे मेरे पैसे कहाँ है? पैसे उस सूटकेस में है, जाकर ले आइए। उस बक्से में से 50,000 दीजिए सर।
वो पैसे मेरे हैं। मामा मामा पैसे चाहिए? पुरुष गन मुझे दे, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, पैरों पर गिर, पैरों पे गिरा इसलिए छोड़ रहा हूँ। हम दोनों मिलकर एक गेम खेलते हैं, इसमें पूरे 6 बुलेट्स हैं, इसमें से 5 मैं निकाल देता हूँ, अब ओनली 1, सिर्फ 1 बुलेट है इसमें, वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 1 बार में पता चल जाएगा कि किस्मत किसके साथ है और मौत किसके साथ। एक मिनट, अरे इसमें बुलेट है। अरे इसमें बुलेट नहीं होगा तो चॉकलेट होगी क्या? 1, 2, 3। की आवाज निकाल कर लड़कियों की तरह डर गया? Now it's my turn। सोचना है, एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अगर कमिटमेंट की तो नहीं होगी। सर अब तक जो कुछ भी बोला वो अनजाने में बोल दिया था सर, मुझे छोड़ दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा सर। यहाँ हो क्या रहा है? शूटिंग शूटिंग और मुझे पता तक नहीं है। विलन सर आपका गेटअप बहुत अच्छा है। अरे बाप रे, उस तरफ खड़े थे मुझे लगा इस तरफ थे। एनीवे हाय। कौन है तू? पक्का वेंकट हीरो। रिटायर्ड बैच का दिख रहा है तो हीरो कैसे हो सकता है? अरे आर्टिस्ट आर्टिस्ट एक दूसरे की इज्जत करते हैं। आई एम एन आर्टिस्ट। ए खामोश, ए सूटकेस लेके आओ। दरवाजा तो बंद है ना, तो फिर अंदर कैसे आए? दरवाजा खटखटाया था, आपने खोला नहीं तो बगल से आ गया मैं। अरे मैं तो यहाँ अपने पैसे लेने के लिए आया था, तुझे क्या हो गया जो यहाँ आया? कलरफुल शर्ट पहना है, पैंट पहना है, पाउडर लगाया है, विग लगाया है, 5 रुपया खर्च करके आईना नहीं खरीद सकता था इडियट? जेलस। ए भाई अजय, मुझे बचा ले यार, मुझे बचा ले। हरी प्लीज, चाहो तो जब तक पैसा ना आ जाए हम तीनों को यहीं पर रख। बहुत हो गया तेरा ये नाटक, चुप। कम से कम उसको तो छोड़ दो, कल उसकी शादी है। अब मैं करवाऊंगा इसकी शादी। हाँ देख, दम है तो रोक कर दिखा, रोक। मैं भले ही तुम सबको मार नहीं सकता, लेकिन अगर उस पे किसी ने हाथ उठाया ना तो उसकी तो मैं बैंड बजा दूंगा। अच्छा तुझे। पुरुष अजय को यहाँ से लेकर जा, इन्हें तो मैं देख लेता हूँ। जा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, पकड़ो उन कमीनों को, भागने मत दो, जाओ पकड़ो जाओ। Thank you.
अच्छा तो हीरो जी, क्लाइमेक्स की फाइट भी हो गई है, गीता ने किस क्यों नहीं किया और समीरा का क्या हुआ और आखिर वो करोड़ रुपए कहाँ गए? बताइए ना कहाँ गए हीरो जी? फाइट खत्म होने से मूवी खत्म नहीं होती राजा, कॉन्सेप्ट बदल रहा है। वहां देखो, इस एनवेलप में हमारी शादी कैंसिल करने के लिए मेरे साइन किए हुए पेपर्स हैं। मेरी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I'm really sorry, समीरा। चांद को छूने की चाह रखना बेवकूफी होती है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बस एक रात के लिए मैं चांद को शीशे में ला पाई, बस I'm happy। तुम्हारी आंखों में ये आंसू? हाँ, मेरी इन दो आंखों में भी आंसू आ सकते हैं। भगवान ये बात याद दिला रहा है। इस गलती को सुधारने का मेरे पास कोई मौका नहीं है। जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। मेरे लिए तुम एक ख्वाब हो और ख्वाब देखकर हम सिर्फ खुश रह सकते हैं लेकिन जरूरत में याद नहीं कर सकते। Your mistake is the best thing that happened in my life. Bye. संध्या, अरे हाय संध्या। ये कैसे कपड़े पहने हैं? पहनने से पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेते। और ये चोट कैसी? आखिर क्या किया तुम लोगों ने वहाँ? वो अजय एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गया था। तो जाकर मार खा लोगे क्या? Doesn't make any sense। उन जैसे आवारा दोस्तों के लिए ये सब करना जरूरी था? हम लोग आवारा हैं? संध्या धीरे बोलो, वो लोग सुन लेंगे। सुनाने के लिए ही कह रही हूँ। अगर नहीं सुनते तो शायद नहीं कहती। क्या कर रहे तू? तुम्हारा उन लोगों के साथ घूमना पापा को बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें मेरा साथ चाहिए या उनका साथ, तुम डिसाइड कर लो। अगर ये बात पहले कही होती तो मेरा हाथ उठ गया होता। जिस पल तुमने मेरे दोस्तों को इडियट्स कहा उसी पल तुम्हारा प्यार और मेरा अधिकार दोनों खत्म हो गए। मैंने सोचा था कि चोट देखकर तुमको खराब लगेगा लेकिन संध्या तुम्हारे लिए तो हर चीज सिर्फ बिजनेस है। लेकिन हमारी फ्रेंडशिप तुम्हारे पापा की बिजनेस पार्टनरशिप वाला एग्रीमेंट नहीं है। फाड़ने से खत्म हो जाए, जिंदगी भर का कमिटमेंट है। पैसों के लिए तुम अपने पापा को छोड़ सकती हो संध्या, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। Get lost! क्या हुआ जावा, इतने कंफ्यूज्ड क्यों दिख रहे हो? सपना है या सच है? मेरा चेहरा भी जिसे देखना पसंद नहीं था वो इतनी नजदीक कैसे आ सकती है? हमारी ऑर्फनेज की एक लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया था तो उसे छुड़ाने के लिए गोवा आई थी। कैसीनो में पैसे जीतने के बाद डायरी में लिखे एड्रेस पर तुम मेरे साथ आए थे। गीता, पैसे लाई हो ना? लेकर जाओ ना, बहुत भूख लगी है अंकल, हमें मार देंगे बोल रहे हैं, हमें भी लेकर जाइए। यहीं पर रुको। ए, पता है इन बच्चों को ले जाकर वो लोग क्या करते हैं? हाथ पैर तोड़कर सड़कों पर गाड़ियों के सामने भीख मांगने भेजते हैं। अब उनका फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, एक बार सोच लो। इसमें सोचना कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है, व्यापार। और वैसे भी इन सबसे तेरा रिश्ता है ही क्या? और इतना ही दर्द हो रहा है तो पैसा दे और इनको लेके चला जा। क्या हुआ, जैसे ही पैसों का नाम सुना होश उड़ गए तेरे? हर महीने एक एक लाख करके इंस्टॉलमेंट में दे देना। अब इन सभी का फ्यूचर तेरे हाथों में है। हमें मार देंगे बोल रहे हैं। 50 लाख नहीं, ये लो, इसमें करोड़ रुपए हैं। लेकिन अब कभी जिंदगी में
बच्चों के साथ व्यापार नहीं करोगे, ये वादा करो, इतना काफी है। जावा, तुम्हारी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू है मैं जानती हूँ। ऐसे में जिन्हें तुम जानते तक नहीं हो उनके लिए इतने पैसे क्यों लुटा दिए? गीता, यही लाइफ है, कुछ चीजों में लॉजिक नहीं होता। प्यार भी ऐसा ही होता है जावा, उसमें भी कोई लॉजिक नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ। तो तुमसे मिलने के लिए कोई आया है? You carry on. Thank you. Hello, roadside fashion designer. How are you? आप D'Souza, Milan's designer wear MD. Sir, glad to meet you, sir. I am a big fan of your brand, sir. Wedding gown को clubbing gown में बदलने की तुम्हारी creativity मुझे पसंद आई। गोवा की सड़कों पर तुम्हारा talent देखा। शायद उस दिन तुम बहुत enjoy कर रहे थे। Visiting card मांगने पर तुमने wedding card दे दी। तो ढूंढते हुए आ गया। अपने फेवरेट ब्रांड के लिए भी तुम डिजाइन करोगे क्या? सर, जब भी तुम्हारा मन करे ज्वाइन कर लेना। अरे अजय, क्या यार, ससुर जी का कमाल है। जावा, सोचा था कि इंसानों के बीच में सिर्फ पैसों का ही नाता होता है, लेकिन अच्छे रिश्ते भी होते हैं, ये तुमने बताया। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, मगर इंसान कमाने के लिए एक ही होता है। थैंक यू, थैंक यू जावा। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wanna, wanna, wanna love you, darling, each and every day. Wanna, wanna, wanna love you, darling, each and every day. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. अरे वाह वाह हीरो जी, कहानी तो सुपर है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है? कैसे हो? ये लो मेरी शादी का कार्ड, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। मेरे बिना तेरी शादी कैसे हो सकती है? डॉक्टर जी, मैंने बताया था ना अपने दोस्त के बारे में, यही है। जावा या गीता? यस सर, कांग्रेचुलेशंस। आपको भी मेरी शादी में आना होगा। जरूर आऊंगा सर। ए, बैठ जा यार, पैक पी के चलते हैं। बैचलर्स पार्टी के लिए निकल रहे हैं, बाहर दोस्त वेट कर रहे हैं। कहाँ? गोवा। गोवा? हीरो जी, मेरे पास सीक्वल की कहानी तैयार है, अभी ऑर्डर लेकर आता हूँ। दशहरे पे मुहूर्त, संक्रांति पे रिलीज। ये बात जो आपने कही उससे जाके कही है। ये क्या कह रहे हो सर? उसकी कहानी के लिए वो खुद हीरो हो तो अच्छा रहेगा। तो अब मुझे क्या करना होगा? सेम सिटिंग गोवा में रख लीजिए। बोक्का जी, हम सबने तो मिलकर पी थी ना, तो हमें कुछ याद नहीं है, और आपको कैसे सब कुछ याद है? बक्का वेंकट कभी दारू नहीं पीता, सिर्फ एक्ट करता है। तू एमएलए के पास जाएगा तो मैं एमपी के पास जाऊंगा, तू एमपी के पास जाएगा तो मैं मिनिस्टर के पास जाऊंगा, मिनिस्टर के पास जाएगा तो सीएम के पास जाऊंगा, सीएम के पास जाएगा तो पीएम के पास जाऊंगा, और अगर तू पीएम के पास जाएगा तो ओबामा, ओबामा, ओबामा के पास जाऊंगा।